Assalamualaikum ji, welcome back to an episode of Kiya Kahe Ga Kazi. This was a roundtable including Irfan Junejo, Shehzad Malik, the Shehzad Show, and Baalaaj Khan. We get to speaking about all sorts of fun stuff. Enjoy. Three, two, one. Irfan, Shehzad, Baalaaj. How you guys doing? जी किस कैमरे में देखना है पता नहीं, सारे कैमरास देख रहे हैं आपको जी। अल्हम्दुलिल्लाह काजी भाई, आपने बुलाया, आपकी मेहरबानी। ये कुर्सी काजी भाई ये कुर्सी फिर से शुरू हो गए, इसमें अब और भी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं। दिग्गज तो मुझे आप जमीन पे बिठा देते तो आई वुड हैव बीन मच मोर कंफर्टेबल, लेकिन चलें। ये जो आपकी परफॉर्मेटिव जो ह्यूमिलिटी है ना, ये समझ नहीं आती भाई। यहाँ पे डाउन टू अर्थ लगता, थोड़े और ब्रांड डील्स ले जाते, सारे ले जाते हैं। हम क्या करें, मर जाए, हम चले जाए इरफान भाई मर्जी आपकी आपकी मर्जी, आप देख ले मैं तो नहीं रुक रहा, आप देख ले आगे। और बताओ बालाज कैसा है? ठीक है यार, ये देखो, दिस इज ब्यूटीफुल। आई शुड ऑलवेज डू पॉडकास्ट विद 3 पीपल। जी मूविंग ऑन। हाँ जी, मैं बोल रहा था कुछ आप डिसाइड कर लें क्या बात होगी। नहीं, बात तो सारी होगी। गाइस लेट्स रीसेट द रूम। अली भाई को बुलाओ। यार ऐसे बहुत सैड सीन है। अली भाई he tried to come to Pakistan and then didn't work out. मेरा भी नहीं होना। ये ना पॉडकास्ट विद ज़रक, वो दुबई है वो। जी वो पाकिस्तान है जी। नहीं, मेरा भी ये सीन होने वाला था ना। Emirates was about to cancel mine as well. क्यों क्या? नहीं, लेकिन मैं की नहीं, हया भी की कर ली। मैंने बताया इसको कि चेक कर लेना। हां हां बस देखिए इरफान भाई, सिर्फ हम्बल ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। जी। मेरा सामान फंसा हुआ था ना इतना बड़ा बक्सा लाया है शहजाद मेरे लिए, वो द पेलिकन केस। व्हाई यू ऑर्डर दैट? यार मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था कोई फायदा नहीं है, कोई उसका मुझे यूज नहीं है, कोई काम नहीं है। बस मुझे आई हैड सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट और मुझे लग रहा था कि होना चाहिए आपको लग रहा था कि आपको भी यूज़ करना चाहिए। मेरी आजकल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब फ्रॉम होम टू स्टूडियो तो आई थिंक पेलिकन केस इज मच सेफर। या आई थिंक सो, या बट देन नहीं कैंसिल हुआ। नहीं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, हया का हो गया। हया का अली भाई का भी हो गया। अली भाई एंड हया, यू आर मिस्ड। Yes. I'm used to looking there, but I have to look there now. You are missed. And Ali. हाँ, you can. आप भी कुछ बोल दे। कोई मेरी तो अगले हफ्ते अली भाई के साथ पॉडकास्ट। अली भाई इंशाल्लाह। कौन सी TPR वाली? Imagine वो पहले आ जाए। हम इनकी पॉडकास्ट ही 2 हफ्ते गुजरने गए उस पॉडकास्ट को। जी तो जो है वो but Salt of Us doing a podcast with Ali bhai. And me. You guys have podcast? Everyone has a podcast now? Yeah. मतलब हम podcast कर नहीं रहे, हम guest ने Salt Fact podcast। Alright. यार आप सब लोग जो है ना वो podcast कर लें लेकिन जब मेरी podcast आएगी ना, आपकी podcast भी आनी है। मैं जैसे बोल रहा था अकेले वाली, थ्रिल वाली। कौन सी वाली भाई वो वाली पॉडकास्ट। ये देखें, ये आपका जो छुट्टी होने वाली, ये जो आपका परफॉर्मेटिव है ना will you have a condenser microphone and an audio interface on the bike? नहीं यार, मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि no traffic rules, लंबी टॉकिंग हेड वीडियोस होती हैं, उनको थोड़ा विजुअली इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप बात वही करें, बस आप सुपर बाइक चला रहे हो और मतलब ऑडियो बड़ी क्लीन आती है। बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं, ऑडियो बड़ी क्लीन आती है उनकी। वो वायरलेस गो जो माइक होता है रोड का, नहीं हेलमेट के चीक पैड के अंदर माइक लगा होता है। सही। You're going at 150, बात हो रही है। नाज़रीन थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन सब ठीक है। जिंदगी का मकसद क्या है फिलहाल जो है थोड़ी हल्का हुआ मैं तो कैंसिल कल्चर के बारे में। अबे साइड कैंसिल कल्चर, अबे तुझे लाइसेंस किसने दिया? लेकिन वो सिर्फ आइडिया सुन के आप लोग इतने एक्साइटेड हो गए। जी डिमांड तो है, डिमांड जी बट दैट्स अ डेथ मशीन। आई एम सो अफ्रेड ऑफ सुपर बाइक्स बिकॉज इट्स बेसिकली अ डेथ रॉकेट। व्हाई? हां 800 सीसी 800 सीसी की तो लोग हैं आपकी गाड़ी कितनी? 1000। रुक जाइए भाई, पूरी बात करने दें। सही है, आप आजकल के बच्चे 800 सीसी और आप बोल रहे हैं 1000 सीसी दो टायर, नथिंग, नॉट इवन अ फकिंग विंडस्क्रीन टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनीथिंग, दैट्स अ डेथ रॉकेट। देखिए गाजी भाई, ये जो बाइक्स होती है ना, ये जितनी इनमें स्पीड होती है उतनी इनकी ब्रेकिंग और ये सेफ्टी फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर एक आपको कवा आके लग गया, कवा लग गया तो ये तो ऐसा ज़लज़ला आ जाए, अभी कुछ भी हो जाएगा। अगर कवा आके लग गया आपको, अरे भाई मैंने हेलमेट पहना हुआ है, मैंने हर चीज़ पहनी हुई है। अच्छा, जैकेट वैकेट भी पहनोगे सारा? भाई मैं बाइक नहीं ले रहा हूँ भाई, हम लोग ऐसी ख्याली पुलाव। देखिए ये बोलने की जरूरत नहीं थी, क्या पता ले लें, क्या पता ले लूं, लेकिन अभी ख्याली पुलाव स्टेज मिस्ट्री। मुझे लगता नहीं इतने लो एल्टीट्यूड पे कवर उड़ते हैं। ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं। चुड़िया तो उड़ती है, चिड़िया, चिड़िया, चुड़िया, चिड़िया, चुड़िया, चुड़िया। आर यू अ मेल शॉविनिस्ट? अरे चिड़िया, व्हाट? चिड़िया और चुड़िया, What did you say? I'm sorry, he's being a little ये मुझे ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन चलो नहीं हो चिड़िया, हाँ चिड़िया नहीं हो, या कवा भी नहीं हो, चील हो जाए, क्या बात है, क्या बात। आप गाड़ी चला रहे हो, विंडशील्ड है ना, I'm protect, it's a windshield, अरे साइड आपने यूं हाथ रखा हो, साइड वाला साइड वाला ग्लास उतारा हो आपने, साइड से हिरन आके लग गया आपको, सलमान खान मोमेंट हो गया, शेर आ जाए, फिर क्या करोगे गाजी भाई? आप शायद फैसल पे जा रहे हो, अचानक हाथी सामने आ जाए, हाथी सामने आ जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है गाजी भाई, जहाँ लिखी है वहाँ लिखी है। ओह पावरफुल। लेकिन प्लीज़ हम लोग ऐसे ही ऑप्शंस कंसिडर कर रहे थे कि अगर बाइक लें और उस पर पॉडकास्ट बनाएं तो कैसा मज़ा आएगा। आई थिंक मतलब उसको शूट करना, द वीडियो एस्पेक्ट ऑफ इट, शूटिंग द वीडियो एस्पेक्ट ऑफ इट विल बी अ लिटिल डेंजरस। नहीं, यू माउंट टू कैमरास, वन ऑन द हैंडल बार, वन इन योर हेलमेट। You've been thinking about these things. I watch moto vlogs. I used to make moto vlogs. 2-3 तो मैंने बनाए थे, तो I know how it works. वो वजहत भाई थे ना उसमें आपके साथ? Wajad bhai also writes. Yeah. He's a writer. Again, podcast video or guest चाहिए तो double सवारी करके। I have seen podcast जिसमें दो लोग बाइक चला रहे होते हैं, उनके wireless वो होते हैं और वो रिकॉर्ड भी हो रहा होता है और बाइक भी चल रही होती है। Awesome dude. हाँ। We can even do the, हम एयरपोर्ट पे ने कॉल कर लें, कॉल रिकॉर्ड कर लें। If I knew how to ride a bike, I'd be down, but I don't, so it's okay. लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं। This is a little PG, लेकिन आप गेस्ट को अपने सामने बैठा दे। जी बिल्कुल। और बताओ शहजाद, आपको बाइक चलाना आती है? नहीं। गाड़ी चलाना आती है? नहीं। क्यों? शौक नहीं, गाड़ी चलाने का शौक। हाँ अक्सर ये तो मेरे क्या कहते हैं बचपन में, जबकि मेरे दोस्तों के खैर दोस्त थे, लेकिन क्या कहते हैं मेरे कटे इरफान भाई, इसको प्लीज जप्पी दे दे थोड़ी सी। फेलो क्लासमेट्स थे उनके, अक्सरियत में जो मर्द हजरात थे बच्चों में, बच्चों में जो मर्द हजरात थे यार, लड़के मर्द हजरात शुडन्ट बी अमंगस्ट द बच्चोस, कैंसिल करो। जो लड़के थे उनके अक्सरियत में उनके पास रिमोट कंट्रोल कार होती थी, मेरे पास डॉल्स होते थे, मेरा डॉल हाउस अच्छा लगता है। दैट्स पावरफुल। और बलाज अच्छा वैसे नॉट डॉल हाउसेस वगैरह, बट मेरा कभी इस तरह उसमें बचपन में कार्स में ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। किस चीज़ में था? आई डोंट नो, आई वाज अ वेरी वियर्ड किड। मेरा मैं लाइक बास्केटबॉल्स, रिमोट कंट्रोल कार्स यस, बट बास्केटबॉल्स नहीं, रिमोट कंट्रोल कार भी थी, लेकिन ज़्यादा मुझे अच्छी डॉल हाउस लगती थी। दैट्स नाइस। सो यू वर अ होम मेकर। आई थिंक दैट्स वेरी एक्सेप्ट, वी नीड टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ। Why is there a need to be accepting as a home? No, because I know you and I'm your friend and I need to provide holding for you as a person, as a human being, as a creator. Why is owning doll houses so bad? It's not bad, dude. It's not bad. Listen, it's not bad. So here's what you were doing. Yeah. You were breaking the programming, right? I guess. Because you saw all around you that everyone who looks like you, 19-20 होते हैं ना लड़के उस उम्र में, तो everyone around you appreciate a certain thing. मैं 5 साल का था। 19-20 का मतलब फर्क बहुत कम होता है, वो समझ रहे हो? 19-20 साल की। अब मेरे डॉल हाउसेस का इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी कंटिन्यू। क्यों नहीं है? What's so wrong with doll houses? There's nothing wrong, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? I don't know, बच्चों को बड़े हो के वो इंटरेस्ट है नहीं, but what I'm saying is you were So what you were doing was, even then you were dissenting from the programming, right? Okay. And that's a brave thing to do, I think, honestly. Yeah. Because as people, yeah, physiologically speaking, yeah, we are programmed to do what is similar. Yeah. No, I was into action figures, bikes, cars, sports, cricket, everything. Just man shit. आप इसको आप मैन क्लासिफाई करते हैं, लेकिन आई हैड एक्शन फिगर्स, बैटमैन भी था मेरे पास, रॉबिन भी था, लेकिन मेरे पास वो कैट वुमन भी होगी, मेरे पास वो थी अभी ना, मतलब जो भी अच्छा लगा वो चाहिए, जेंडर में हम नहीं, नहीं वो एक होती थी, एक थैलियाँ मिलती थी उसमें जो है ना डिफरेंट एनिमल्स वाले, एक वो एनिमल्स वाले होते थे, बैटमैन वगैरह ये सारे होते, वो एक बड़े गंदे से प्लास्टिक कंटेनर में एक ग्रीन कलर का पूरा बाल भी ग्रीन होते थे हल्के, और ब्लू कलर के बैटमैन मिलते थे, एक्शन फिगर्स, बट येलो कलर के स्पाइडरमैन मिलते थे। जेनजी स्टफ एक्चुअली, नो नॉट जेनजी स्टफ, ये आपके जमाने में भी होता था, पता नहीं यार, यार बस लाइक प्लास्टिक फिगर्स ऑफ एनिमल। आई रिमेंबर आई हैड अ स्पाइडरमैन, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है आई वाज़ंट इनटू कॉमिक बुक्स एज मच, लेकिन वो स्पाइडरमैन था, उस पे सिम्बियोट चढ़ रहा था, वेनम सिम्बियोट जो होता है ना, हां हां हां, वो चढ़ रहा था। So mid transition, yeah. Nice. I thought your podcast would be something intellectual and we're discussing like toys. Well, I am talking to you. What? What's going on here? You want to get intellectual? No. Why is there the need to get intellectual? क्योंकि जब पॉडकास्ट का नाम आता है ना तो लोग इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, which is so casual, which is so because the most popular podcasts in the world are literally people just talking shit and doing other things that we can't do in Pakistan. Joe Rogan or any of the others, the Fighter and the Kid, impulsive, चलो impulsive भी चलो ठीक है तो सही ना, और I don't know, intellectual ये पाकिस्तान का खपत है। मूरू भाई काफी वैसे इंटेलेक्चुअल होती है, मुज़म्मिल भाई की काफी इंटेलेक्चुअल होती है, द थॉट बिहाइंड थिंग्स होती है जो है भाई। रुक जाओ ना, बात तो करने दो मुझे। आई रिसेंटली गॉट इनवाइटेड ऑन टू इट यार, इंशाल्लाह आई विल गो। आप इस्लामाबाद जाएंगे पॉडकास्ट के लिए सिर्फ? मतलब हाँ, वो थोड़ा मसला हो गया, बिकॉज सो ही डिडंट गेट इन टच विद मी हिमसेल्फ, बट ही गॉट एन असिस्टेंट टू लाइक टॉक टू मी। उन्होंने बोला कि आप आ जाएं, व्हेन्स अ गुड टाइम टू मीट। आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई वाज लाइक कूल, मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि हाँ कहाँ मिलना है, शी इज लाइक इस्लामाबाद। आई एम लाइक देखते हैं। I've never been to Islamabad. Hey, you've never been to Islamabad? Never Islamabad, no Lahore, no Rawalpindi, no up north, Hunza कुछ भी। Canada गए मैं आप? जी अलहमदुलिल्लाह। ये क्या है यार? आप कभी दुनिया के बेहतरीन शहरों पे कभी घूमे हो? नहीं, अब आप घूमे क्योंकि आप कराची में हो। Let's go. बंदा खुश रहे, खुश फहमी में मिल के मारना है या मैं क्या है, मतलब सीन किधर है? Karachi best city. I'm being held hostage. Also send help. No, but yeah, I don't know, dude. I'll think about it. But huh, those podcasts are intellectual, but I don't know if there's an impetus to be intellectual all the time. Yeah, podcasts अलग-अलग टाइप की होती है। मैं तो ज़्यादा, मतलब अभी हम बात करते हैं कि मैं कौन सी podcast सुनता हूँ, लेकिन I think जिस तरह आपने podcast design की है, आपको intellectual होना पड़ता है because people are tuning in to watch that. कुछ पॉडकास्ट ऐसी हैं जो आप सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि यार चलो मेरा बड़ा स्ट्रेसफुल दिन था, थोड़ा मैं इन्जॉय करता हूँ, थोड़ी मजाक मस्ती होगी, चिल करेंगे। तो इट डिपेंड्स। अब पाकिस्तान में आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी पॉडकास्ट लाइक दैट जिसमें मजाक मस्ती हो, चिल हो रही हो। आप भी शायद इस पॉडकास्ट में हो रहा है, वरना वैसे आप भी थोड़ा मेटा एंड यू नो मेटा कॉग्निशन, हाँ, तो यार एंड प्रोलिफरेशन प्रोजेनी तो वो जो है नहीं, हाँ, poignant, robust, yes, powerful. तो वो जो it depends on the guest ना। जैसे for instance, एक और to add to your point, थोड़ा अर्सा पहले तक one of the most popular podcasts in America was Who's Your Daddy, जिसमें दो ख़वातीन होती हैं and they just talk about who's their daddy. Literally, very mature guys, very mature. Who's the daddy? The Kazi Akber. उसका मैंने कभी सुनी नहीं है, लेकिन मैंने देखा, उसको अभी एक्वायर कर लिया। Spotify ने Spotify में या अब तो किया Spotify ने, हाँ. But even before then, ना, they were making a killing and literally they'd just be like, oh, you know, pardon my French, but like sucking dicks and shit, like literally on the podcast, just that. And one of the best, most viewed podcasts in. Amma main ko nahi janta. We're having an intellectual discussion. Same, yeah, same. This is, huh? What? कहाँ भी बस ठीक है हाँ but you disappointment yeah I don't think that's how it goes तो सही है फिर हम पाकिस्तान की पॉडकास्ट की बात करते हैं यार गाजी भाई मुझे honestly speaking I don't want to discourage anyone लेकिन जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम बनता जा रहा है ऑफ कंटेंट क्रिएशन मुझे नहीं लगता कि पॉडकास्ट का कोई भी खास इतना अच्छा फ्यूचर है I hope I'm wrong मेरे बहुत सारे जानने वाले पॉडकास्ट करते हैं एंड विश देम द बेस्ट ऑफ लक लेकिन आई डोंट नो इफ देखें ये जो मॉडल है ये इस पे बेस करता है कि आप सबसे अच्छी बात यह है कि इसका रिटेंशन टाइम सबसे ज़्यादा है वॉच टाइम सबसे ज़्यादा है क्योंकि अगर कोई सुनता है तो फिर 2 घंटे मुझे 2 घंटे का वॉच टाइम करने के लिए 25 वीडियो बनानी पड़ेंगी लेकिन यू नो यू कांट सर्वाइव विदाउट ब्रांड्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका तो बीच बीच में स्पॉन्सर्ड वो आई होप आना शुरू हो जाए स्पॉन्सर्ड एड्स लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा और आई डोंट नो उसका क्या फ्यूचर है मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता द प्रॉब्लम है इरफान भाई यहाँ पे जो है ना देयर इज आल्सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ब्रांड्स दैट वुड एवर स्पॉन्सर यू और वुड थिंक अबाउट स्पॉन्सरिंग मी और शहजाद और बलाज देयर इज नॉट इनफ लिटरेसी as far as the brands are concerned, because वही चाहते हैं कि मैं जो है अब सोचो मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ बीच में एक मैं मग लेके बैठ जाऊँ हाँ भाई unfortunately that's something I'm going to have to be okay with doing right but that's not all they want then they want seamless integration they want don't want me to be meta about it they don't want me to be like हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल पे करने होते हैं they also don't want that they want to be like उसको serious लगना चाहिए यार मेरी बात सुनो क्या हो गया है look at the best podcast in the world they get paid millions उनकी फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते हैं अंडरस्टैंड बट दे एडवर्टाइज वेरी डिफरेंटली तो यहाँ पे एक वो हाँ यू आर राइट इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग हमने ये बात पिछले वाले पॉडकास्ट में भी की थी कि स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेशन स्पॉन्सर्ड सेगमेंट और मेरी जो कल परसों वीडियो आई है ट्रैवल टिप्स रूम स्पॉन्सर्ड दैट वाज अ स्पॉन्सर्ड सेगमेंट मैंने उनको बताया कि ये मैं कॉन्टेंट बनाऊँगा और यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड सेगमेंट दूँगा मैंने उनको वीडियो बना के भेजी फॉर फीडबैक उनका फीडबैक आया लंबा चौड़ा मैंने बोला वेट 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 रुक जाएं ये जो सिर्फ पार्ट है ना आपका स्पॉन्सर्ड आप सिर्फ इसमें बता सकते हैं मुझे और कहीं कुछ नहीं बता सकते इट्स माय कंटेंट उन्होंने बोला हाँ ये बात तो ठीक है फिर उन्होंने सिर्फ उसी में बताया और सही है इसके पैसे कम होते हैं कंपेयर टू फुली स्पॉन्सर्ड वीडियो बट आई थिंक अगर ये ज़्यादा होने लगे ना तो हमारा इकोसिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा ही है जैसे आप ड्रामा चलाते हैं बीच में ऐड आ रहा है आपको ज़बरदस्ती बीच में कुछ घुसाना नहीं है इट्स ऐड इट्स स्पॉन्सर्ड सेगमेंट एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डूइंग इट आई जस्ट होप कि ये पॉडकास्ट में जल्दी आना शुरू हो जाए बिकॉज क्रिएटर्स माइट स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड डिस्करेज्ड एंड दे माइट स्टॉप मेकिंग दैम बिकॉज आई डोंट नो कितना रेवेन्यू आता है और किसकी पॉडकास्ट कैसी चल रही है आई डोंट फॉलो लेकिन मैंने किसी को अभी तक स्पॉन्सर्ड होए हुए नहीं देखा ये जो हैं शाबीर लोग इनकी पॉडकास्ट का क्या नाम है हाँ but they had like 500,000 वो कोई पहले चैनल होगा या उनमें I don't know what it is but they have a huge following on that podcast पर हाँ उनको भी मैंने शायद स्पॉन्सर होते हुए नहीं देखा हाँ लेकिन वो जो है अब if you are that big of a brand yourself then you can pull in as many views तो फिर तो आपका शायद थोड़ा बहुत चल जाए अगर आप महीने में 2-4 पॉडकास्ट डालते हैं 1 every week और वो 5 लाख व्यूज़ क्रॉस कर रही है तो यू कैन मेक अराउंड $500 to $600 जस्ट ऑफ यूट्यूब स्पॉन्सर कोई आ नहीं रहा लेकिन $800 बनते हैं कोई 1,20,000 1,30,000 तो उसमें देर आर 2 people टॉकिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड देन यू हैव योर अदर कमिटमेंट्स अगर आप ये शाबीर की बात ले लें शाबीर अगर पॉडकास्ट को टाइम देता है फुली डेडिकेटेड गेस्ट अरेंज कर रहा है ये वो ही कैन मेक 120,000-130,000 अ मंथ विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी लेकिन अगर वही शाबीर उसी टाइम को अपने कंटेंट में यूज़ करे और ब्रांड्स को पिच करे तो ही कैन मेक 10 times that much तो वही ना, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वो इतना अच्छा नहीं है. यू डू इट फॉर द आर्ट, ओनली फॉर द आर्ट. मैं तो अभी तक यही कर रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह रहम करे. स्पीकिंग ऑफ आर्ट, जी आपका सवाल था. स्पीकिंग ऑफ आर्ट, कैसा चल रहा है आपका आर्ट ऑफ? जी अच्छा चल रहा है. अभी इसकी पहले एपिसोड की स्क्रिप्टिंग हो गई है. जब तक ये पॉडकास्ट आएगी आई थिंक, आई होप इंशाल्लाह पहला एपिसोड आज का हो. इट्स ऑन द आर्ट ऑफ एवरीथिंग. दैट एपिसोड टुक मी 8 months टू स्क्रिप्ट बिकॉज इट इज़ ऑन द आर्ट ऑफ एवरीथिंग. ऑन द एवरीथिंग को ब्रेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल है. अच्छा थोड़ा जी, वही जो तुमने हमें दिखाया जो बोलना नहीं था ये. अरे क्या हम देखते हैं हर चीज पहले देखते हैं, घूम पे दिखाते हैं. स्पेशल एक्सेस आपको भी शायद ये एक्सेस मिलने के लिए आपको Patreon पे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप. एंड ऑन द हाईएस्ट यार, Patreon के बाद शहजाद ने किया ना, तो शहजाद से मेरी बहुत ही लंबी बातचीत हुई. फिर मैंने हिचकिचाहट के साथ Patreon लॉन्च किया. उसमें जब मैं पर्क्स कंसिडर कर रहा था ना, तो आई कुड नेवर गेट माई सेल्फ टू ऑफर अर्ली एक्सेस. मुझसे नहीं होता. क्यों? मुझे बस ये होता है कि जब एक दफा वीडियो कंप्लीट हो गई ना, ये दुनिया में आए, ये देखें लोग. He is too affected by वो ना external. No, I don't read comments anymore. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि ये मैं होल्ड नहीं कर सकता उसको. Once it's completed, I'm satisfied with it. सब चीज़ कर ली. I just want to release it ASAP. You'd be open? I think I won't be able to make the second video if that video is not released. Fair enough, but you'd be open to sharing the making of. इसके वो तो कर दी मैंने Patreon, इरफान जुनेजो Patreon मैंने कर दी. स्क्रिप्ट और शॉर्ट लिस्ट, मूड बोर्ड, ये सब कर दिया. अभी डायरेक्टर्स कमेंट्री रहती है 2 वीडियो की, वो एक साथ में करूंगा इंशाल्लाह. यू डू दैट एज वेल शहजाद? या नॉट रियली द डायरेक्टर्स, आई मीन आई माय सी. जैसे मेरा होता है कि जैसे मैंने बनाई मुझसे एरिया ना, तो उसमें मुझे आई थी काफ़ी डिमांड लोगों की कि आप इसका ब्रेक डाउन दें कि इसका मतलब क्या था. तो वो मुझे पर्सनली देना नहीं था, बिकॉज जस्ट बिकॉज आई मेड इट डजंट मीन माय पर्सपेक्टिव इज़ राइट. तो इसलिए मैं चाह रहा था कि हम डिसाइड करें कि उनको क्या लगता है. अब इसकी इतनी मैसेज इतने आए, तो मैंने कहा कि यार ब्रेक डाउन. दिस वेरी डिपेंडेंट मोस्टली व्हाट माय प्लान इज़. आई डू बिहाइंड द आर्ट, विच इज़ बिहाइंड द आर्ट ऑफ लिटरली एवरी वीडियो दैट आई अपलोड. उसका एक बिहाइंड द आर्ट वाला एपिसोड बनाता हूँ जिसमें मैं पूरी जर्नी के थ्रू जाता हूँ, उसके एडिटिंग के प्रोसेस में, उसके स्क्रिप्टिंग के प्रोसेस में, शूटिंग के प्रोसेस में, ये सारे अंदर. आई सिट डाउन, आई गिव अ नैरेटिव ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड. तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है. इट्स नॉट जस्ट सिंपली BTS, इट्स मोर ऑफ अ जर्नी ऑफ हाउ दैट आइडिया केम टू बी. बट सो द क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि हमारा तो Patreon है नहीं माशाल्लाह से, द क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू isn't, does it ever feel like you're giving away the secret sauce? No, never. अगर सीक्रेट सॉस की बात है तो मेरे पास नोलन के स्क्रीन पे रखे हुए. आई कैन नॉट मेक अ फिल्म लाइक नोलन जी. तो ऐसा थोड़ी है कि आपको इंग्रेडिएंट्स, वो हमने ये एग्जैक्ट बात भी की हुई है. ऐसा थोड़ी है कि आपको इंग्रेडिएंट्स पता चल जाए तो यू कैन मेक दैट एग्जैक्ट डिश. इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, विजन, व्हाट यू फील अबाउट इट. Patreon क्योंकि बात निकली है, तो Patreon का मुझे एक ज़रूर बात कहनी है कि I had a lot of expectations from Patreon because I thought कि जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, जितनी मैं मेहनत करता हूँ, उस पर मैं I can make a living off of Patreon. You could. But that did not happen. I soft launched it और I currently have 28 patrons. अगर मैं प्रॉपर लॉन्च करता हूँ, उसको मार्केट करता हूँ, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ what I am offering, तो अगर आप बहुत ही अच्छा चले जाएँ, कितने हो जाएंगे वो 150 patrons, 200 patrons. I don't think I can make a living off of that. I think you would have to shift the paradigm from the fact that you're offering a lot to the fact that this is for you, this represents freedom. ये फ़र्क एक वाज़े करना मैं समझता हूँ थोड़ा लाजमी है. देखिए मैंने इसके बारे में बहुत सोचा and I wanted it to messy वाली चीज़ है. I wanted it to work. I tried everything, buy me a coffee, Patreon कि मैं I make it work कि ये मुझे भी fulfill करे और पैसे भी आए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट, क्योंकि मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट फंस गया जो मैंने इन दोनों के साथ भी शेयर किया है कि इफ़ यू कैलकुलेट व्यूज़ अपॉन कॉस्ट, तो अगर आपकी हर वीडियो में नए ओवरहेड्स हैं, जैसे मेरी पिछली वीडियो में आई हैड टू ट्रैवल कराची भर में, उसी पिछली वीडियो में मुझे हॉस्पिटल चाहिए था, एक दो जगहें चाहिए थी। तो अगर हर वीडियो में न्यू ओवरहेड्स हैं तो यू कैन नॉट रियली सर्वाइव इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, क्योंकि यहाँ का पे आउट रेट बहुत कम है और आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स की बात हम पहले ही बहुत कर चुके हैं। मैंने सोचा कि पेट्रियन माइट बी वन ऑफ द सोल्यूशंस बट दैट डिड नॉट वर्क एज वेल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये चैनल अब इस चैनल पे नहीं या वो नहीं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए टू मेक इट ऑल सस्टेनेबल आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू चैनल इन द मिक्स एज वेल विच विल बी इन इंग्लिश ओनली। And if after working very hard for 2 years, 2.5, 3 years, if I can get 50, 60,000, maybe even 100,000 subscribers on it, purely from Europe, US, UK, inshallah, so that channel alone can make me 10 times the money that I'm making from AdSense. मैं ऐसा कोई situation बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए sustainable हो जाए, even if I have to, you know. मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा नीचे लाना पड़े कोई मसला नहीं, लेकिन मैं सरवाइव कर सकूं ब्रांड्स के बगैर भी। We'll come to the English channel in a bit. We all have a lot to say about it, but yeah. Just another word on crowdfunding. The idea of crowdfunding, of patronage, is an ancient one. Ancient, that's an extreme word to use, but it is quite old. Patronage और हमेशा से होता था in a society, in a market like Pakistan. You think it doesn't work because generally Patreon जो होता है, how do you pay on Patreon? Through PayPal, through credit cards, this and that. तो वो जरिया नहीं है लोगों के पास contribute करने का, या फिर crowdfunding का concept ही थोड़ा ये भिखारी है, भीख मांग रहा है, ये वाला जो सीन होता है। मुझे ये तो अपने experience में feel नहीं हुआ, लेकिन मैंने आप ही की podcast में कंवल का mention किया था, आपकी podcast में मैंने जैन पीरजादा का सुना था कि देयर एक्सपीरियंस विद क्राउड फंडिंग वाज वे मोर देन देयर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, बोथ ऑफ देम डू हैव सॉर्ट ऑफ एन इंग्लिश निश ऑडियंस। आई डोंट थिंक इफ दैट्स ट्रू विद कंवल, लेकिन इंग्लिश ना भी हो तो उनकी एक्सपेक्ट ऑडियंस शायद बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी उसी को सुन के मैं काफ़ी इंकरेज हुआ और मुझे हुआ कि मैं ट्राई करता हूँ, और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे उसका इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मैंने सोचा था। तो इस वजह से अब ये काम मुझे छोड़ना तो है नहीं इंशाल्लाह, तो इसलिए अब इसका सोल्यूशन तीसरा ये मैं ये चैनल की वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, सेकंड चैनल भी बना रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड भी कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ पैशन प्रोजेक्ट्स, लेकिन बस एक नया चैलेंज है मेरे लिए कि मैं इंग्लिश चैनल करके देखूँ ताकि ना मेरे पास वो हो जाए कि यार अगर कर लेते तो ये हो जाता वो हो जाता। आई विल जस्ट ट्राई इट बिकॉज कल परसों ही मैं चेक कर रहा था, मेरा CPM है $0.5, $0.6 US का CPM है currently $8। CPM explain करो for people who don't know. Cost per 1000 views. अगर आप एडवर्टाइज़र हैं, आपको कॉस्ट मतलब इसमें YouTube का भी कट है। अगर आपको मेरे चैनल पे 1000 व्यूज़ खरीदने, आपको YouTube को 80 सेंट देने, लेकिन अगर मेरे चैनल पे सारी इंग्लिश ऑडियंस, US, UK ऑडियंस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वाली ऑडियंस होती तो यू वुड हैव टू पे $8 फॉर द सेम 1000 व्यूज़। तो अगर आज मेरा यूट्यूब रेवेन्यू आज सुबह में चेक करा था, अगर 800 है तो मेरा 8000 9000 होता, मुझे ब्रांड की ज़रूरत ही नहीं, 12-13 लाख 14 लाख में कमा रहा हूँ। एंड द आर्ग्यूमेंट दे प्रेजेंट इज कि दोज 1000 व्यूज़ फ्रॉम हियर डू नॉट हैव द सेम परचेसिंग पावर दे वुड इन दोज मार्केट्स। या दिस इज अ चीपर मार्केट, परचेसिंग पावर कम है। वो क्या होता है, इनकम पर कैपिटा कम है, तो उसकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी कम है। CPM तो ऐसे ही काम करता है ना कि एड एजेंसी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं यूट्यूब में, जितनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, जितनी ज़्यादा आपकी एड्स लगेंगी, उतनी CPM बढ़ेगा। यार मुझे इसकी टेक्निकल चीज़ नहीं पता, लेकिन CPM मैंने गलत बता दिया, सेंस पर मिली नहीं, कॉस्ट पर मिली। बट CPM का अगर आप यूट्यूब का शेयर हटा दें तो देन इट्स RPM, रेवेन्यू पर मिली। दैट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई विल बी मेकिंग और एनी क्रिएटर मेक्स। उसमें उसका यूट्यूब का शायद 45% या 40% शेयर होता है। तो इवन देन माई CPM इन कराची इज़ 40 सेंट्स एंड इन US UK इट्स $4, $5, तो 10 टाइम्स। एंड इफ़ यू हैव अ टेक चैनल, यू हैव अ फाइनेंस, रियल स्टेट, इन्वेस्टिंग एडवाइस चैनल, जिसकी ऑडियंस जो हो उसके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, So then the CPM sometimes is even 25, 30, 35. Oh yeah. So 1 million views अगर आपके आ गए तो आपके अकाउंट में $35,000 आ गए. Even if one of your videos goes viral. So that's true freedom, that you make stuff and you get paid. Nobody in the middle. Mm-hmm. Mm-hmm. To answer your initial question, secret sauce. मुझे लगता नहीं है, मुझे इसका पहले बहुत डर होता था कि क्योंकि ये आर्ट ऑफ वाला आइडिया है ना, इसकी मैंने 2-3 recreations देखी हैं after I married. Okay, okay. I've seen a bit like so some people imitations. Yeah, imitations. So copy plagiarism. So word for word. तो क्या कहते हैं, मैंने ये देखे थे कुछ और मुझे थोड़ा हो रहा था कि मुझे पहले डर लग रहा था क्योंकि I was very insecure about this idea. तो I was like मैं बहुत limited लोगों के साथ शेयर करूँगा. And then I pretty much told everyone, but didn't do anything about it. Yeah. Everyone's murad, पूरा friend circle मेरा जितना भी था. और फिर क्या कहते हैं, I wasn't doing anything about it. But I kind of realized I was very afraid कि यार ये idea कोई चुरा लेगा, ऐसी कि idea की कोई inspiration किसी को मिल जाएगी and they would makes मतलब वो मेरा idea ruin हो जाएगा. लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा vision जो है वो कभी भी कोई नहीं कर सकता. किसी का भी vision कोई भी रिक्रिएट जितना भी कोशिश कर ले कर ही नहीं सकता. कॉन्फिडेंस चेक कर नहीं, क्योंकि बात यह है कि मेरे विजन से बेहतर कर सकता है, मेरे विजन से बहुत बेहतर कोई कर सकता है, मेरे विजन से बहुत वर्स कोई कर सकता है, लेकिन मेरा विजन कोई नहीं कर सकता. सो इट्स यूनिकली योर्स. यस, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी प्रेशियस, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक रिवीलिंग माय वे ऑफ क्रिएटिंग विल क्या कहते हैं टेक अवे my uniqueness from so it. Then effectively what you're saying is it is impossible for you to give away your secret sauce. You can't. Kind of. Yeah, because it's very deep inside of me. There is no secret sauce. Oh. This it's Kung just Fu us. Panda. चीटिंग कर रहे हो, ये आप घड़ी बड़ी उतार के बैठा करें. वही तो शीशा नजर आता है सिर्फ. सही खूबसूरत क्या कहते हैं. मुझे इसीलिए लगता है कि आई कैन ओनली शेयर कि यार मैं क्या करता हूँ, आइडियाज कैसे आते हैं. मैं गाने सुनता हूँ, लेकिन हर कोई उस तरीके से गाने नहीं सुनता जिस तरीके से मैं सुनता हूँ. हर कोई वही गाने नहीं सुनता जो मैं सुनता हूँ, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ, जो सोचता हूँ मैं वो गाना सुनते हुए. मैंने इसको गाने सुनते हुए देखा है और आई कैन अटेस्ट यू. जैसे कोई गाने नहीं सुनता हो जाता है, मैं इस तरह कोई गाने नहीं सुनता. तो क्या कहते हैं, खैर ये तो होगी सीक्रेट सॉस की बात, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि उससे कुछ फर्क पड़ता है ज़्यादा. इट वुड ओनली प्रोवाइड पीपल मोर इंस्पिरेशन टू फिगर आउट व्हाट मोर वेज देयर आर टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम. मतलब आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम लाइफ, आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम म्यूजिक, फ्रॉम लिटरली रैंडम शिट. तो इट्स जी व्हाट व्हाट व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके, यू डोंट नो. श्योर, व्हाई नॉट. या या नो ओके. क्या पॉडकास्ट तो क्या हुआ. तो क्या कहते हैं, खैर उसके अलावा तो जहाँ तक क्राउड फंडिंग की बात है, मेरा बड़ा इसके बारे में मजाक उड़ाया गया है कि भीख मांगने का तो लोगों से. किसने उड़ाया? नॉट इन पर्टिकुलर, जनरली आते हैं कि यार अच्छा हाँ ये बड़े आते हैं कॉमेंट्स, यार फैमिली भी वुड रिलेट टू दिस कि यार आपका कॉन्टेंट जो है ना नेटफ्लिक्स पे होना चाहिए. वार्ड हाँ, तो आपका कंटेंट नेटफ्लिक्स पे होना चाहिए. वी शुडंट बी वाचिंग दिस फॉर फ्री. मैंने पेट्रियन लॉन्च किया और मैसेज आते हैं कि बन गया तू भी सेल आउट. वही लोग तो नहीं कर रहे थे. तो क्या कहते हैं, बन गया तू भी सेल आउट, अब ये कंटेंट हमें फ्री में दो, पेड क्यों. अब सब सिर्फ पेट्रियन पे अपलोड करोगे, यूट्यूब पे कुछ नहीं करोगे. तो एक मैंने जो है कोशिश की थोड़ा कि मैं जो है ना अपने आप को, अपने पैसे, ये मुझे पता है कि मेरे अलावा सब लोग मुझे इस हरकत के लिए डम समझते हैं कि मैं कॉपीराइटेड म्यूजिक इस्तेमाल करता हूँ. वो इंटेंशनली मैं करता हूँ और उसकी वजह सबको पता है कि मैं इंटेंशनली करता हूँ. इसीलिए मैंने पेट्रॉन बनाया क्योंकि आई डोंट हैव एनी इंटेंट ऑफ नॉट यूजिंग कॉपीराइटेड म्यूजिक एनी टाइम सून. तो क्योंकि मैं वो करता हूँ तो मुझे लगा कि यार पेट्रॉन करूंगा तो उससे थोड़ी अच्छी बैकिंग आएगी. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 8 पेट्रॉन्स आ गए. अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सॉफ्ट लॉन्च ही किया है. तो क्या कहते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब प्रॉपर लॉन्च करूँ तो 50 तक आ जाए. अब मेरा ये सीन है कि आई एम करंटली वेरी इन, मतलब अभी यूनिवर्सिटी में हूँ तो आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो आई हैव द प्रिविलेज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है ना, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, ताकि जितनी जल्दी मैं अपना आर्ट सेक्रेट कर सकता हूँ अपने आर्ट के नाम तक, उस तक करूँ until I became solely financially independent। यार ये जो है ना, I will, me and Baalaaj did speak about ये जो आप wanton entitlement की जो आप बात कर रहे हो ना, in the context of bullying, but really in everything, एक generally हमारे माशरे में ये है कि भाई हमें हर चीज़ पे हक है, बकवास भी सबसे ज़्यादा हम करेंगे, बातें भी सबसे ज़्यादा हम सुनाएंगे, और चीज़ भी सब हमें मिलनी चाहिए। बट ये जो आपने फाइनेंशियल लिबरेशन की बात की ना, everyone needs to understand first off, this is straight up the way people make videos, especially the two of you, but even him, yeah, even me for that matter, this labor isn't cheap, and it is labor, that is work that goes into this, and if you're going to consume it, you must also understand कि we need to support ourselves, kitchen shitchen चलता है, ये सब चीज़ें होती हैं। I think generally, and this is what I've discovered after 8 months of doing this for the art, कि it's beautiful and it's well and good to say that you're doing it for the art, right? But you always want to figure before you quit your job or what, you know, money making concerns, it's always good to figure out कि यार financial viability क्या होगी और कब बन सकेगी। A very realistic look, जैसे इरफान मैंने बोला, I never thought about the financial viability of podcasts, and that's unfortunate, but I just like यार ये लाजमी है, इस माशरे में होना चाहिए कि ना people should watch other people, have conversations, disagree, agree, you know, whatever, have arguments, opposing viewpoints, lekin you also want to look at the financial viability. I'm not saying that I'm not looking at the financial viability. No, I'm not saying that you're not. Yeah. Huh. I'm just kya kehte hain, I just think that's really problematic that how you assumed, how you assumed that I was saying, I was negating his point. Baalaaj, what do you have to say about that? I thought you didn't use Twitter. Too many words. What again? Too many words. God damn it. लेकिन हाँ, मतलब मैं सिर्फ क्या कहते हैं, जितना वेट कर सक, मतलब जितना अपना मेरे पास टाइम है to figure out stuff while I have my parents financially backing me. मैं जो है ना उस टाइम को बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि जब मैं financially independent हूँ तो तब तक I have figured out what it is that how I want to do it. Inshallah. So inshallah. Yeah. That's beautiful. No, I think it's buoyant and robust. I think it was powerful and extravagant. And metacognitive. It was metacognitive. Metacognitive. आप लोग जो है आजकल, what do you say to all this first, and then I'll move on to the next. मैं तो I'm just doing it for the fun of it. मतलब मुझे मजा आ रहा है videos बनाने में. मैं तो कोई भी वीडियो में मुझे टिकटॉक मिलता है मैं वो बना लेता हूँ, बट देन अगेन जैसे द आइडिया ऑफ एन इंग्लिश चैनल इरफान भाई ने मुझे उसे इंट्रोड्यूस कराया था, एंड देयर इज नो सच थिंग एज यू नो आइदर टू मच मनी और even a little money isn't all the money, yeah, it's good money, it's money. So if I'm having fun while getting, you know, money, so that just makes more sense क्योंकि I'll just have more fun enjoying it. Even like if I'm only in it for the fun of it, that just adds to the fun. Or but being close to these guys, you must at some point realize कि यार this could actually become a proper source of sustainable income and all those things. It's like मेरा I'm doing it. If अगर हो जाता है तो हो जाता है. I'm all for it. अगर नहीं होता तो फिर क्या करोगे? जी बिल्कुल जी, फिर हम सोचेंगे डिग्री लेंगे कोई। यार मेरा इसमें ख्याल ये है छोटा सा कि आप इन दोनों देखें, इन दोनों को, मासूम से बच्चों को माशाल्लाह से, अब आप इनको देखें, इनका कंटेंट आपने देखा ही होगा, इनका कंटेंट देख के आपको ये फील आ जाती है कि ये कंटेंट जिन लोगों ने देखा होगा सही है, उनको उर्दू समझ में आती है, वो इंग्लिश बोलने में शायद कम्फर्टेबल ना हो लेकिन उनको इंग्लिश भी समझ आती होगी। तो इफ़ दे मेक कंटेंट इन इंग्लिश, आई डोंट थिंक ये अपनी करंट ऑडियंस का 20-25% से ज़्यादा लूज़ करेंगे। नहीं हाँ, but is that really a concern? Is that a concern for you? That is a concern for me, not from the audience's point of view, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश चैनल बनाता हूँ, उस पर मेहनत करता हूँ, तो आई थिंक सूनर और 1 साल का टाइम लगेगा मेरी करंट सारी ऑडियंस को पता चलने में, आहिस्ता आहिस्ता प्लग इन करके कि आई हैव एन इंग्लिश चैनल। और उसमें भी आई थिंक मैं 50% तो अपनी करंट ऑडियंस ला सकता हूँ 500,000। लेकिन बात वही है कि वो इसी रीजन से होंगे तो पैसे तो आ नहीं रहे। लेकिन दूसरी बात जो मुझे विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी इज़ दैट आई कैन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश। It's just water, guys. Please, let's be mature. Let's be mature about this, guys. Guys, let's reset the room, guys. यार वो AC चल रहा है और AC का पानी एक गैलन में गिर रहा है। Yeah. सही है तो बिल्कुल कैमरा के साथ सॉफ्ट तरीके से गिर रहा है। और कुछ बताना आप लोगों को? ASMR भी मिलता है इस पॉडकास्ट में। तो पॉइंट ये था कि मैं इंग्लिश में जो ऑफ द कफ ह्यूमर आप कर लेते हैं और कलोकियल टर्म्स में आप कोई जोक बना लेते हैं या यू कैन कम्युनिकेट बेटर अगर आपको स्लैंग्स पता हो, कलोकियल टर्म्स में बात कर सकते हो। आई कैन नॉट डू दैट इन इंग्लिश बिकॉज आई हैव नेवर लिव्ड इन अ प्लेस जहाँ पे इंग्लिश ही बात की जाती हो। सेम। तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यार ये पानी की हंसी आ रही है। उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट कंफर्टेबल विद दैट बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ और नहीं होगा। हाँ प्लीज फॉर मी। I have seen a lot of people, German people, Swedish, Hong Kong, Chinese, सब लोग जिनका मसला मेरे वाला ही है लेकिन यही कलोकियल और ये सब या लेकिन उन्होंने अपनी ऑडियंस बना ली। फिर मुझे एक मसला ये था कि यार मेरे जो चमड़ी का कलर है ना इस पे कोई गोरा बंदा क्लिक नहीं करेगा। देन आई वॉच्ड कैप्टन सिंबाद दोस्त आपका तो बिग शाउट आउट। तो वो भी मेरा जो कंसर्न था वो दूर हो गया। तो बस फिर अब शुरू करेंगे। आई थिंक the primacy of relatability cannot be stressed enough na because even with Captain Sinbad जो वो काम करते हैं अपने आपको तो पता है निखिल भैया। अरे निखिल मैं बोल रहा था फर्स्ट नेम कैप्टन जो कैप्टन है वो काम करते हैं। A lot of it revolves around concerns of the people homing in diaspora जो आपके you know जो communities हैं वहाँ पे there's so many people like him there and there's so many people unke audience mein I'm sure who know people like him there or who are people wo jo bhi hai to I think relatability is king and if you can find that kind of relatability in a diaspora audience kyunki Hong Kong mein this is a fun fact and I know you're not aiming for Sindhi people per se but there's a large robust Sindhi community in Hong Kong. You know there's also a large robust Sindhi community in parts of Denmark or you know Netherlands is the same thing Bharal you know so there is that Canada में बहुत vibrant एक desi community है। तो अगर ये सारी vibrant desi communities हैं तो I'm sure मेरी total audience में जो मुझे YouTube बताता है 0.5% 1% 2% जो लोग हैं वो यही है। लेकिन गोरे को तो समझ में नहीं आ रहा ना। सब ट्राई कर लिया सब टाइटल भी मेरी 60-70% वीडियोज़ पे अभी आपको इंग्लिश में सबटाइटल मिल जाएंगे एंड दोज इंग्लिश सबटाइटल्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी लैंग्वेज। लेकिन शायद ही कोई इतना ख्वार हो जो उर्दू में वीडियो देखेगा उसको उर्दू समझ में नहीं आती सबटाइटल देख के। तो इसलिए इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट लाइक जुनेजो 2.0 वाज एन एक्सपेरिमेंट और मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई लर्नड अ लॉट। आई लर्नड दैट यू कैन गेट 500-600,000 व्यूज़ ऑन अ टॉकिंग हेड वीडियो and you can spend a week 2 weeks on shooting that perfect angle and stuff and it might not get as many views. Isn't that because of our society's preoccupation with celebrities or influencers? It's that but it's also people like it when you can put their emotions and feelings into words and you have a platform and you can एक्सप्रेस योरसेल्फ। अभी करंटली हमारे मुल्क के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है ना जिन बातों के बारे में बात कर सकता हूँ उसमें एक चीज़ है ये अरशद नदीम ओलंपिक जैवलिन के फैसिलिटीज़ नहीं थी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इस पर अगर आप अभी एक रैंट बनाएं इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक तो यू कैन ईजीली गेट जैसे मेरा जितना बड़ा अगर आपका सेकेंड चैनल है 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर 3 लाख तो यू कैन ईजीली गेट 200-300-400,000 व्यूज़ आराम से। तो यही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने नहीं की लेकिन इट वुड हैव बीन अ नाइस टॉपिक टू टॉक अबाउट. देखो इफ इट डजंट अपील टू यू, नहीं इट अपील्स टू मी. आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन, आई हैव प्लेड फुटबॉल ऑल माई लाइफ, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, बट मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी नई जिसमें मैं अपना कोई इंसाइट दे पाऊँ. अगर मेरे पास होती तो मैं भी ज़रूर बनाता. लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट जुनेजो 2.0 वाज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई हैड बिकम टू मच ऑफ अ परफेक्शनिस्ट. तो मेरे अपने ऊपर से वो चीज़ मुझे फिक्स करनी थी कि नहीं, यू कैन मेक वीडियोज़ लाइक दिस वेयर यू डोंट रियली केयर अबाउट द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड स्टफ, यू कैन जस्ट चिल आउट एंड हैव फन. तो इट केम आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल. 3.5 लाख होने वाले होंगे एंड मेन चैनल 1.1, इट हैज़ 3. अब मेरे लिए फाइनेंशियली स्पीकिंग एक फ़ायदा ये हुआ है कि अगर कोई ब्रांड मेरे पास आता है और उनके पास बड़े चैनल का बजट नहीं है, वेयर आई डू चार्ज अ प्रीमियम, क्योंकि मैं अपनी मत मार देता हूँ उसमें मेहनत कर करके और एक्स्ट्रा हार्ड जाके. तो फिर अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, आप आइए, आपको हम जाने नहीं देंगे. हर कैटेगरी, अभी हम इंग्लिश चैनल भी खोल रहे हैं, हर साइज और ज़बान में दस्तियाब. That's interesting. Like silk का कपड़ा निकालो, सारे कपड़े निकालो, वो वाला silk. घर आके भाई YouTube के पैसे नहीं, आप Instagram story पे आ जाए. सब कुछ, सब छोटा कपड़ा भी है. I also love the fact that he was like, I learned that you can have 300,000 views on a talking head video. I'm like, no, that's not what you learned. You learned that you can have. Yeah, I understand. ये इस वजह से है क्योंकि वो मेरा चैनल है, उसके साथ मेरा नाम लिखा हुआ है और I already have an audience. लेकिन मुझे ये लगता था कि जब तक मैं फुल जी जान नहीं लगाऊंगा ना, कोई देखेगा ही नहीं. वहाँ मैं गलत साबित हुआ ना. मेरी कमबैक वीडियो जो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज दैट आई हैव एवर मेड, इट मेड मी क्राई, 500,000 व्यूज. आई मेड अ वीडियो कि आपने तुम गाना वायरल किया आसिम अजहर का, 500,000 व्यूज. आपने पबजी बैन क्यों हुआ और नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में क्यों नहीं है, 5 लाख व्यूज सेम. तो इट रियली यू नो स्क्रूज अप योर ब्रेन कि मैं व्यूज़ के लिए काम करूँगा या मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करूँगा या मैं दोनों के लिए करूँगा. तो इसलिए ये बाइफिकेशन ज़रूरी थी कि जो मेन चैनल है, it's for the clients who can afford it, who can value it and who can give me that creative freedom. Second channel पे हम sell out होने के लिए तैयार हैं. Don't call it that, at least. जो है वो है. अच्छा, सही है, सही है. तभी तो बनाया है, तभी तो बनाया है, तभी, क्योंकि right now I won't name any names but people are charging 1.5, 2 million for a video that can be shot in 2 hours, goddamn, and edited in half an hour. लेकिन मैं उनके साथ compete नहीं कर सकता क्योंकि their audience is tuned to watch it and their audience is liking it. तो अगर मुझे compete करना था तो I had to come up with something. ये सारी game ना, we should be talking about creativity and you know what are your rituals, what's your process, but here we talk, whenever we talk about this, whenever I come on a podcast, it unintentionally becomes about brands because that's the ecosystem, unfortunately. If I mean, na dekho, if there is no financial liberation, yeah, there can be no art, right? Because then art is beholden to something that's very corporeal, very materialistic, which is bhai ek set baitha hua hai kahin pe, he doesn't give a shit cinematography ka, na he cares ki yaar Irfan Junejo ka naam chahiye mere brand ke sath, right? And that's it. He doesn't care about a creative vision. He cares about his vision. And who's to tell him that he's wrong? He's been successful in his life. Masla wohi hai na. So once that's, जो मैं crowdfunding where I was so excited, especially when Zain Peerzada told me कि यार scene है. But again we must be cognizant of the fact कि metal है. ये लोग कुछ भी करके उर्दू में गाने नहीं बनाते हैं, इंग्लिश में ही बनाते हैं. इनकी ऑडियंस, इनके patrons पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, breakdown उनका कहाँ से, लेकिन it's an English audience. I don't know the exact numbers but I'm sure जिस तरह से Zain बात कर रहा था, I'm sure he is Takatak is making more money on Patreon than I am, for sure. Must be, हाँ, sure. एक चीज़ जो मैंने Patreon के बारे में consider नहीं की और इसने मुझे बताई भी नहीं और मेरे जहन में ही नहीं आई वो, कि you cannot support any creator on Patreon unless you have a credit card जहाँ पे automatic deduction हो जाए. That's what I was gonna say ना. Yeah, that's what. तो ये मुझे पता ही नहीं था. लेकिन मैं Patreon again it's an experiment, try करके देखता हूँ, proper launch करता हूँ. launch video भी आपको पता है वो करता हूँ। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो ठीक है, आई कीप डूइंग इट, अगर नहीं आता तो आई स्लोली शट इट डाउन and focus on the main channel. Oh. Why not just leave it alone? Why shut it down? Because it takes. सही है, अगर मैं स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो it does not take any time. वो तो मैं वैसे ही हर वीडियो के लिए बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं उसके लिए स्पेशल डायरेक्टर्स कमेंट्री बना रहा हूँ या ब्रेकडाउन बना रहा हूँ या उधर के लिए एक्सक्लूसिव BTS वीडियोज़ बना रहा हूँ तो इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड इफ देयर आर ओनली 28-30 पीपल देयर तो इट्स नॉट really a good return on investment. आपका क्या ख्याल है? Are you whelmed with your Patreon so far? I'm very impressed that I have gotten 8 patrons because it's all I've done is just market it on my Instagram. और 3 सेकंड की क्लिप है मेरे अपना एक वीडियो में, बस एंड में 3 सेकंड का एंड स्क्रीन है जिसमें लिखा था कि you can subscribe to my Patreon now. तो मेरे लिए इट्स इफ इट वाज समथिंग दैट आई हैव टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ आई कुडंट नो ऑफ कोर्स या बट आई एम स्टिल वेरी ग्लैड एंड इम्प्रेस्ड कि मेरे 8 पेट्रॉन्स हैं. ऑब्वियसली डिक्लाइन में जाते हैं, मेरे 10 पेट्रॉन्स हुए थे मेरे इस महीने 2 ड्रॉप कर गए. सही. और ये रूटीन की बात. हाँ, ये रूटीन की बात होता है, ऐसा होता है. तो बट व्हेयरएज द व्हेन यू सेड के for art to exist there needs to be financial liberation. Yes, liberation. Yes. What did you mean? What I meant by that is that you need to be free financially and that doesn't mean कि आपके पास 2000 गज का बंगला हो. What that means is कि आपको आपकी या तो ज़रूरियात ही इतनी कम हो कि 15-20 हज़ार रुपये, एक मिसाल दे रहा हूँ आर्बिट्रेरी नंबर, पर 15-20 हज़ार रुपये में आपका गुजारा हो जाए. नहीं हो सकता ना. नहीं. It basically means कि खाली पेट से आइडियाज नहीं आते. खाली पेट से आइडियाज नहीं आते. खाली पेट से आइडियाज आ जाते हैं, राइट, बट वो आइडियाज भी किसी हद they need to lead you towards some kind of financial viability. Yeah, I'm sorry to cut you guys off. I just want to mention the entitlement of a small number of people that I have faced in our society. के देखें, एक बंदा जिस तरह शहजाद कंटेंट बनाता है या मैं बनाता हूँ, हम लोग हर दूसरे दिन वीडियो नहीं डाल सकते. हम मतलब चाहे तब भी नहीं डाल सकते. वी विल हैव टू सैक्रिफाइस क्वालिटी अलॉट. इट्स नॉट द क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी डिबेट, इज जस्ट द वर्क फ्लो डज नॉट अलाउ इट. ठीक है, तो अगर सही है आपने ये बात मान ली, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री विद इट ऑल्सो. फिर अगर शहजाद अपना एक लो एफर्ट चैनल बनाता है या मैं अपना लो एफर्ट चैनल बनाता हूँ और आप ये बात तस्लीम करते हैं कि सही है भाई ये जो बनाते हैं ये क्वालिटी होता है और ये टाइम लें, तो जब हमने लो एफर्ट कंटेंट बनाना शुरू किया तो आई फेस दिस कि यार बेचारा क्या कमाल वीडियोस बनाता, अब देखो भाषण देता रहता है हर वक्त. आई रेड अ कमेंट, अ लॉट ऑफ कमेंट्स लाइक दिस. तो जब आप तो आ जाएं पेट्रियन पे, सपोर्ट मी एंड कन्विंस मी थ्रू योर मनी कि सही है आई डोंट हैव टू मेक दैट. But if you cannot do that, if I'm doing something to make it sustainable, मेरे लिए सारी चीज़ sustainability की है. और sustainability का मतलब ये नहीं है कि मुझे R1 लेनी है या Ducati लेनी है. Sustainability का मेरे लिए ये सीन है कि जो वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, जो आइडिया मेरे जहन में है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये ना सोचना पड़ेगा यार इसमें इतने पैसे लगेंगे, अब इसमें कैमरा कहाँ से लाऊँगा, ये कहाँ से लाऊँगा. मुझे बस इतना भी हो जाए ना तो आई एम हैप्पी विद इट. मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मेरा ये कैमरे का शौक़ ख़ुद को पालेगा, मैं इसमें अपनी जेब से पैसे नहीं डालूँगा. जब तक वो मेरे लिए हो रहा है आई एम हैप्पी विद इट. मेरा जितने भी मेरे कैमराज हैं ये हैं, इनमें मैंने अपनी जेब से पैसे नहीं डाले, वो सब इसी के थ्रू आए और इसी में वापस गए. तो इफ़ आई कैन डू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ सब इन एन आइडियल सिचुएशन विदाउट रिलाइंग ऑन ब्रांड्स. ब्रांड्स आर एक्सीलेंट. Please don't get me wrong. I recently did a video with Epidemic Sound. The best, by far the best experience of my life. उतने पैसे मुझे आज तक किसी ब्रांड ने नहीं दिए. Swedish ब्रांड दे रहा है, जबकि मेरी Swedish audience या English speaking audience कितनी होगी और मेरी पाकिस्तानी audience कितनी होगी. Zero changes. You have complete creative freedom. Zero meetings. यहाँ के लोगों को मीटिंग का ही बड़ा शौक है. ज़ीरो मीटिंग्स, ऑल ऑनलाइन, ईमेल, जूम मीटिंग भी नहीं, सिर्फ ईमेल और बस द बिगेस्ट फाइनेंशियली द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ। लोगों को भी इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले सेकंड में बोल दिया स्पॉन्सर्ड बाय एपिडेमिक साउंड, वो उन्होंने इस पर टोका भी नहीं। और मैंने आप जानबूझ देखिएगा स्पॉन्सर्ड लिखा है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड कोई बोलने नहीं देगा। मैं कोई भी वीडियो करूँ वो बोले नहीं कोलैबोरेशन, इन एसोसिएशन लिख दे। भाई यू आर पेइंग मी, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज हाउ दिस सिस्टम दिस मार्केट वर्क्स। फिर बस नहीं, हमें बताना नहीं है कि हम पैसे खर्च करें। सो that obviously ties into the financial liberation जो हम बात कर रहे थे। Just a word on that though. I recently did a podcast with Babar Khan Javed, he's a journalist. मैंने उनसे ना जर्नलिज्म के बारे में यही पूछा कि जर्नलिज्म मर रहा है, सेम एग्जैक्ट थिंग। यार देखो जर्नलिज्म मर रहा है, वो लोग कंप्लेन करते हैं who don't ever put their money where their mouth is, right? If the advertisers are going to pay for the journalism, then it's going to be geared towards them. Then it's not going to report on certain things that they don't want to be reported on. या तो फिर आप वो करो, क्राउड फंड करो जर्नलिज्म को। और कितना, वही वाली बात है, कितना लगता है? 3,000 rupees, 5,000 rupees per year. That's affordable for most people if it was important enough for you. But again, जो इरफान भाई बोल रहे हैं फाइनेंशियल लिबरेशन का, बेसिकली do you get what I mean? Like you need to be financially liberated. Even अगर खाली पेट, जैसे बलाज ने बोला एक खाली पेट आइडिया आ भी गया, that idea will also be geared towards financial liberation. Eventually, if your mind is bogged down by rent and installments and mortgages and payments for your child's tuition or whatever, creativity na phir ek taraf aa jati hai. Haan, phir survival is at stake. Phir you do it for the views. You obviously do it for the views. Yeah. And देखो again, no one here is sitting down and saying that there's anything wrong with that. You want to do it for the views, you do it for the views. But I suppose in our society there is this proclivity to be disingenuous. भाई हम आर्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन आर्ट क्या है? वो आर्ट वो है जो 5 million views ले आए। Do you know what I mean? Yeah. Like, there's no bifurcation there. काजी भाई देखें, मैंने जो वीडियो बनाई कमबैक वाली, I got पता नहीं कितने मैसेजेस के आपकी वीडियो देख के हमें आंसू आ गए या हमारे दिल पे लगी, हमें टच हुआ। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आउट ऑफ ऑल दोज पीपल हाउ मेनी वुड बी विलिंग टू फंड इट इवन इफ दे आर मेकिंग मनी। स्टूडेंट्स नहीं है, पैसे कमाते हैं, सही है। हम चाहते हैं कि ये बंदा ऐसा कॉन्टेंट बनाता रहे, वी वॉन्ट वॉच इट, वी वॉन्ट आर किड्स टू वॉच इट, आर सिस्टर्स यंगर ब्रदर्स टू वॉच इट। तो बात सारी यहाँ पे आ जाती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे पैसे दो, आप दो, वरना मैं नहीं बना रहा। मेरा शौक़ है, मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। बट जो मेरी 2 साल पहले मेंटल स्टेट थी, व्हेन आई वाज क्लोज टू गिविंग अप, नाउ आई एम इन अ मेंटल स्टेट कि मैं बस हाथ पैर चलाता रहूँगा, यहाँ से नहीं आया वहाँ से नहीं आया यहाँ से। तो अभी मैंने सब किया ना, मैंने पेट्रियन भी किया, मैंने अपना एक प्रीसेट भी बेचा और उस प्रीसेट से मैंने अपना कैमरा अपग्रेड कर लिया। एक प्रीसेट जो मुझे बनाने में काफ़ी महीने लगे, लेकिन द एक्चुअल प्रोसेस टुक मी 5 मिनट्स क्योंकि आई हैड दैट सीक्रेट सॉस। तो आई शेयर इट विद एवरीवन। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा काम ख़राब हो गया, करते रहें, जिसको भी वो यूज़ करना है, फ्री नहीं, मतलब 5 पाउंड। तो बस बात यही है सारी कि मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसी पे रिलाई ना करना, बीच में से सारे मिडिल मैन हट जाएं। इन एन आइडियल सिचुएशन पेट्रियन भी हट जाए, ब्रांड्स भी हट जाएं। और ब्रांड्स वही, अभी जो मेरा पेट्रियन है ना, मैं किसी भी ब्रांड को मना नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पेट्रियन मुझे कमा के इतने दे रहा है। अगर मेरा पेट्रियन मुझे बहुत ज़्यादा कमा के देना लगे, अगर मुझे 10 क्वेरी आती हैं, मैं 7 को मना कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे पेट्रियन या क्राउड फंडिंग की चीज़, अगर मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल इतने पैसे कमा रहा है, $10,000-15,000 कमा रहा है, विच इज़ नॉट वेरी ह्यूज, अगर आपकी एक अच्छी दरमियाने साइज़ की ऑडियंस बन जाए। जी हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत ह्यूज है। आप, आई एम श्योर, आप मैट डिवेला, नथानियल ड्रू की तरह का चैनल बना सकते हैं 24 देखिए भाई 24 से 36 महीनों में अल्लाह करेगा, पेशेंट को ही है कि यार काजी भाई देखें, यू नो, यू हैव रेड, यू आर सो वेल रेड, यू नो अबाउट फिलोसफर्स, और सिर्फ जानना काफ़ी नहीं होता, आप ठक करके कॉन्वर्सेशन में कोट कर सकते हैं। किसने बोला आपको ये? मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ आपकी। अच्छा, थैंक यू। तो आई एम श्योर यू कैन गेट an international English speaking audience which can connect with you, which is interested in these things. Pakistan में शायद उसकी इतनी demand ना हो, लेकिन internationally I'm sure you can find that niche और you can, you know, सबसे बड़ी achievement आजकल के दौर में when everything is about attention ये है कि आपने अपनी niche ढूंढी और उसमें you are making a living from something that interests you. अगर मेरे इंस्टॉलमेंट भरनी है मुझे या मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ पोजीशन कि अगर मुझे कोई रियल स्टेट ब्रोकर कहता है कि यार आप हमारी वीडियो बना दें, मैं उनको जवाब देता हूँ। पहले भी मैंने बोला हुआ किसी पॉडकास्ट में कि भाई मुझे ज़्यादातर 18 से 24 साल के लोग देखते हैं, इनके पास कहाँ इतने पैसे होते हैं कि घर, मैं इनको बोल देता हूँ, लेकिन इफ़ आई नीड दैट मनी वाई वुड आई टेल देम, मैं बोलूँगा सही आपको बनवानी में बना देता हूँ, जो बोलोगे कर दूँगा। देन पीपल शुड नॉट कंप्लेन कि यार ये क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं। तो द CPM इज़ नॉट सपोर्टिंग द क्रिएटर, द ब्रांड्स राइट नाउ वेरी फ्यू ऑफ देम ऑफर दैट क्रिएटिव फ्रीडम, दैट आपकी ना ज़बान को खून का टेस्ट लग जाता है। मुझे लग गया है आफ्टर वर्किंग विद एपिडेमिक साउंड, आफ्टर वर्किंग विद एमिरेट्स, आफ्टर डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट विद अ कैमरा मैन्युफैक्चरर जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता, तो मुझे वो लग गया है। तो अब मेरे लिए ना इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मैं ही बोले जा रहा हूँ पूरी पॉडकास्ट में, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पूरा दिन क्लाइंट सर्विसिंग में निकल जाता है। सुबह उठता हूँ, मैसेज व्हाट्सएप देखता हूँ, 2-3-4 मैसेज आए हुए रोज़ाना के कि वी वांट टू गेट इन टच विद यू, डिस्कस अ प्रोजेक्ट, ये 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 शुरू की वो फॉर्मेलिटीज़, ब्रीफ आई, ब्रीफ के अगेंस्ट मैंने आइडिया दिया, आइडिया समझ में आ गया तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर कॉस्ट समझ में आ गई तो फिर आइडिया पे अपनी मनमानी के यहाँ ऐसा कर दें, यहाँ ऐसा कर दें, यहाँ ऐसा कर दें। तो इट्स जस्ट, अगर मेरे लिए ये इतना मज़े का प्रोसेस नहीं होता मेकिंग स्टफ, देन इट्स वे वर्स देन अ 9 to 5 जॉब। श्योर, या देखो हमें अगेन ऑल यूर सेइंग, ऑल एनी ऑफ अस आर सेइंग except Baalaaj because he doesn't care. He's a table tennis player. Yeah, hota hai. An amazing one. An amazing one too. Yeah. Good enough to whoop your ass. Good enough to whoop anyone's ass here, except the 58-year-old number one in Pakistan. And a lot of other people. Yeah. जी. It's about expecting the audience, हमारे मुआशरे के लोग, to put their money where their mouth is. Mm-hmm. It's really about consequences and accountability. और वो आप इस चीज़ में ले लो, हमारा जो रिसेंट कैंसिल कल्चर है उसमें ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, मसला ये होता है कि जब व्हेन वेयर हेल्ड अकाउंटेबल ना, अब जैसे इनने बात की आपसे, यार आपकी जो वीडियो थी ना, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू थे, वॉलेट में कितने पैसे थे उस वक्त, बट यू नो व्हाट आई मीन, चलो वॉलेट में पैसे भी भाड़ में गए एक तरफ, इन योर कैपेसिटी डिड यू डू समथिंग टू फर्दर माई इंटरेस्ट समहाउ? इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरी वन। देखिए मुझे इतनी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐसी मैंने देखी हैं जिन्होंने मुझे टच किया है, लेकिन मैंने उस क्रिएटर के लिए कुछ किया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दिया, दैट स्टिल गोज़ अ लॉन्ग वे। मोमिन मीम से मोमिन, उसकी वीडियो मैंने देखी, मैंने बोला कि भाई मैं ये शेयर करूँगा, जितनी ये मेहनत इसने की है, दिस डिज़र्व्स टू बी शेयर्ड। लेकिन बात सारी ये है कि पेमेंट गेटवेज़ का मसला है, हमारी ऑडियंस का वैसे ही थोड़ा एंटाइटलमेंट का मसला है। वी थिंक, जैसे मुझे DMs आते हैं, मैं आपको मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर पसंद आ गई तो पैसे क्यों नहीं दे रहे, शेयर करो, कुछ तो करो। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर क्वालिटी का काम करने से मेरा खर्चा नहीं चल रहा तो मैं घटिया काम करूँगा जिससे मेरा खर्चा चल रहा है, क्योंकि पेट लगा हुआ है ना साथ, ताकि मैं ये काम भी कर सकूँ, ये बोल रहा हूँ मैं। मेरे सेकेंड चैनल के, मेरे मेन चैनल ने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में $900 से ज़्यादा नहीं बनाए इन अ मंथ। मेरे सेकेंड चैनल विद हाफ से भी कम सब्सक्राइबर्स, कभी $2,000, $4,000 व्हेन आई वाज स्ट्रीमिंग, सुपर चैट आती थी, और अगर सुपर चैट नहीं भी आ रही तब भी आराम से 1200, 1300, 1400 डॉलर बन रहे थे व्हेन आई वाज एक्टिवली मेकिंग कंटेंट हर रोज़ वीडियो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो अब जब ये इतनी डिस्पैरिटी आपके सामने है तो आप क्या करेंगे इफ़ दिस इज़ योर रोज़ी रोटी? तो या तो फिर आप, मेरे लिए बहुत ही एक सैड स्टोरी हो जाएगी कि मैं आपको नज़र आऊँ कि इरफान ने YouTube वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया एंड ही इज़ वर्किंग इन अ मार्केटिंग एजेंसी बिकॉज दिस वाज नॉट सस्टेनेबल। या फिर वही इंग्लिश चैनल है। मुज़म्मिल भाई ने भी जो है पॉडकास्ट, मेरे ख्याल में किसकी पॉडकास्ट थी, मी विद शहजाद, उस पर कॉमेंट किया था ना कि समवन गॉट अपसेट, ही वाज लाइक नो, टीपीआर पैनल पे जो पॉडकास्ट, जो टीपीआर अली भाई ने जो पॉडकास्ट की थी उस पर अली भाई थे और मैं था और दो और पॉडकास्टर्स थे, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम्स बिकॉज आई एम ओल्ड एंड आई ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स। तो वो जो है ही कॉमेंटेड, ही वाज लाइक कि यू नो आई थिंक फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑट टू बी प्रायोरिटाइज्ड। आगे से किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिफेंड किया एंड ही सेड इट इन माय इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मी, ही नेम्ड मी कि इज लाइक ना कि ये काजी शुड प्रायोरिटाइज इट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आगे से किसी ने बोला कि ही काजी डज फॉर द आर्ट एंड सो यू नो लीव योर कैपिटल रेज आउट ऑफ इट। इट्स काइंड ऑफ फनी बिकॉज इट्स ट्रू, नो आई एम जोकिंग। बट वो जो है पर जो है वो मुजल भाई व्हेन ही केम बैक ना देयर वाज truth to that where he was like हाँ ठीक है cool my capitalist ways but then don't complain when Kazi quits podcasting in the next few months because financial viability is a large part of what keeps it going na? You're not gonna wake up every day in love with the art, that's just not how human beings work. Baalaaj, I feel like I disagree with your statement. I love my art, I do it every day. Yeah, that's it. Then why did you, you know, yeah, why were you crying when TikTok banned your account? वो बैन करना लेता बात है ना, गलत बात है। मैं तो बनाता तो रोज। You are making it for yourself, right? तो फिर 2 लोग देखें या 10,000 देखें वो इंग्लिश चैनल पर। हाँ नहीं तो बना तो तुम रहे हो, वो तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कोई। लेकिन why did you get sad? WhatsApp पे भेज देते। मैं क्यों sad हुआ था? जब बैन हुआ था या उससे पहले? जब बैन हुआ था। I don't get when TikTok I don't banned get the proclivity of this question. When TikTok banned your first account, why did you get sad? Because मैंने उस पे मेहनत की थी and I gained like a good amount of following. Yeah, so you're making it for the followers. Not really. मजा आ रहा है और साथ मतलब बनाने में मजा आ रहा है and then I'm getting like a surprisingly I had a very cultish following. Well, that's what it is, no? That's what he's saying. And there's nothing wrong with that. No, I was getting a following, so it's like I was getting the attention and having fun while making it. So it's not like doing it just for the following. It's like 70-30%. मैं अपना बता देता हूँ आपको, शायद इन्होंने वर्ड सही नहीं किया, इसका जवाब आपको बता देता हूँ। आइंदा अगर कोई पूछे तो आपने ये कहना है कि I had worked really hard to build a community of like-minded people who could understand me, who could understand my art, who could connect with me, and I felt like मेरे जो 3-4 दोस्त थे अब वो 10,000 दोस्त हो गए थे। मैं comfortable feel करता था अपने उनके साथ अपना आर्ट शेयर करने में। Now I don't have that anymore. That's done. Lessons in performance on Irfan Bhai's Patreon. performative क्या बोलेंगे इसको? Dissonance. That is true वैसे. I mean if you put it like that, एक तो वो था ना followers के लिए कर रहे थे, तो हाँ it did feel like then again मैंने कहा कि it was a very I had a very cult audience और ये मुझे बड़ा recently realize हुआ है, मेरा account ban हो गया and then someone posted a video of me on their account and people were like बलाज कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। I was like oh लोगों को याद है। भैया देखो even if someone just tells you कि yeah, you were doing it for the followers, that's not a bad thing. No, it's validation and validation feels good. You just hope to God that in the long run you are being validated for the right reasons, because there's people who'll be validated for problematic behavior. वो ना हो बस अदा रहम करे, you know, मैं मजाक कर रहा होती जैसे performative की, there's people who are actually performative about issues that are entirely too serious to be trivialized. यार I think जो आपने बात किया, then again excess of anything is bad. तो think जिस तरह wait a second obsessing over the number of followers is bad. तो वो excess में जाएगा जैसे validation आपने कही है, there's nothing wrong with external validation. Sometimes you need it. Yes, you sure, sometimes, yeah. Sometimes you need people to tell you that you're not a fuck up. Or yeah, that. So, but then again, वो उस पे मैं कह रहा था कि excess of anything is bad when you start relying on it. ये बहुत बार बहुत जगहों पे लोगों ने बात की. I don't know why I'm saying it, but just say it, dude. You're saying it because it's your truth. They don't want me to say. Who doesn't want you to say? That guy. Why don't you want to say it? मैंने इसे बताया साले. वो कैसा टपोरी हो गया? अबे मैंने तुझे बोला, तेरे को बोला ना मैंने. So there's this thing. मैंने लावे क्या कर रहा? अबे क्या कर रहा? अबू मुझे बोलता है ये मुझे मैंने इसे बताया और फिर ये बात का यूज़ करता है. हाँ. यार तुम ज़्यादा दूर चले गए क्या? मेरे फ्रेम से बाहर नहीं हो जाओगे तुम? आप अंदर. अब अगर बाहर हो गया इरफान भाई तो बाहर हो गया, मैं क्या करूँ? See the thing about that is कि मेरे पास मैंने चेक किया था इरफान भाई काफी दूर इधर बैठे थे. हाँ. तो मैंने तो हाँ. Right. All right. So yaar, let's just channel. Stop ranting and talk about some fun stuff, creativity and art and you know. ये जो आपका मोटो व्लॉग आ रहा है. Process. मोटो व्लॉग जो आपका. Yeah, अभी नहीं आ रहा. बहुत महंगी बाइक है यार. अंग्रेजी में आ रही है. I'm very inspired by him. Right now? You just got inspired right now on this podcast? Yes. यार मैं सोच रहा हूँ मैं अभी शुरू. नहीं यार. आप क्या सोच रहे हो? English channel. यार देखो मेरी बात सुनो. We were colonized people. If nothing else, when any of you make an English channel, you are contributing to the process of decolonization, because you are in turn colonizing the colonizer's language. Yeah. Ek word. समझ में आया लगे. Yes. He's like saying को कैसे समझाएंगे? मैं बताता हूँ. Basically he's saying हम colonized हैं. हम गोरों को उन्हीं के गेम में हराएंगे. लगा कैसे इंग्लिश इस्तेमाल करके हम उनकी गेम को कहेंगे. मैं मार्केट में जा रहे हैं ना. देखो अभी भी some racists will, when they don't understand your, हम pronounce अलग तरीके से करते हैं ना. When you mess up a pronunciation, they won't say oh you pronounce this word differently. They'll be like we speak English, do you? As if they have monopoly over English. One must always understand this. Sindhis don't have monopoly over the Sindhi language. Yeah. Urdu-speaking people don't have monopoly over the Urdu language. Yeah. Nobody. हम सब जो है नमाज पढ़ते हैं, मतलब जो भी पढ़ते हैं. I'm no moral grandstanding. जो भी पढ़ते हैं. हम अरबी में पढ़ते हैं ना. हाँ. तो फिर एक तरीके से effectively what are we saying that the Arabic people, Saudi Arabia people from there, don't have monopoly over the Arabic language. Yeah, that's true. Right? Wow. Similarly, when we speak our broken, accented English, we are in turn owning or taking their language from them. Like they took our culture from us. Right? And make this a clip. Huh? Make this a clip. Don't छोड़ ना clip को. तुम साला अंग्रेज लोग. नहीं ऐसा नहीं है. There's lots of beautiful. Most people are beautiful. बहुत कम लोग थे जिनने मसले किए. कुछ लोग जो है हमें पासपोर्ट भी दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो but what I'm saying is कि there's this book called The Empire Rights Back. Right? And that is basically a pun on Star Wars. Right? और उसमें ये होता है कि Empire Writes Back, what that means is कि जो British राज की जो colonies थी ना, when they start writing back in English, there's a large community of writers who write in English, but English isn't their first language. Diasporic literature, post-colonial literature, predominantly is comprised of these people. Arundhati Roy is an excellent example. Gabriel Garcia Marquez is an excellent example. These are people who don't English isn't their native language. In fact, Marquez to translate hua hai. Chhodi do. Example ka hi satyanas ho gaya. But Arundhati Roy, definitely someone. Tariq Ali from Pakistan, definitely someone who writes in English, writes it so well, but writes it in his own English. Right? So yes, he understands all the conventions of English, but he still makes it his own. लेकिन इसलिए आम एक इंसान, ये तो आपने बताई ना पोस्ट कॉलोनियल, आम एक इंसान ये बोलेगा कि अपनी क्या मादरी जबान छोड़ के तुम अंग्रेजों की जबान में कर रहे हो, गोरे बन गए, गद्दार बन के. जिस ऑडियंस ने तुम्हें ये मकाम दिया, ये क्या उसको छोड़ दिया तुमने, और ये अपनी जबान को छोड़ दिया. मैं अग्री नहीं करता. मुझे जवाब देने दे. मैं दूसरों का बता रहा हूँ कि अगर कल मैं अनाउंस करता हूँ दैट आई एम नॉट लीविंग दीज चैनल्स बट आई एम स्टार्टिंग अ थर्ड चैनल, मैं शर्त लगा सकता हूँ ये आएगा. और उसपे आपने ये करना है, आपने कोट करना है ताहा साबरी को, हु इज द ब्रिलियंट हेड ऑफ तस्कीन. ताहा साबरी बोलते हैं और कि ये नंबर्स हैं. आई आस्क्ड हिम, आई वाज लाइक कि भाई व्हाट्स द नंबर इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, व्हाट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. ही इज लाइक ऐसा से कमतरी. अगर हमारी जबान इतनी शानदार है, ऐसा से कम सबकी ज्यादा दिमाग में यही हमने दूसरे को मिसालें बन चुकी थी. और रेड डॉलर और एक डब्बा शाही सुपारी और बॉडी और सैंडल और बॉडी. ये बालाज के अब्बू देखेंगे तो बता दूं कि मेरा बालाज से जो सब देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ आता ही नहीं हूँ. बट ऐसा से कमतरी, राइट, लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. तो ये आपका जो उर्दू, ये जो आपकी उर्दू कल्चर है या जो बाकी सारे कल्चर्स हैं ना हमारे विच वे सपोज टू अपहोल्ड, दोस कल्चर्स आर फ्रैक्चर्ड एंड दे विल ओनली बी हील्ड इफ यू फर्स्ट डीकोलोनाइज योर साइकी. देयर इज नो अदर वे. मुझे तो भाई गेट रेडी टू वेलकम इनटू माय वर्ल्ड. आपको भी अब शायद सारे बर्गर ही कहेंगे. आपको बर्गर कहते लोग. मैंने टिकटॉक पे आई मेड अ वीडियो, इट वाज अबाउट आई डोंट माइंड एनीमोर, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट. मैंने एक वीडियो बनाई थी सेइंग के होते हैं लोग बर्गर, सम पीपल आर प्रिविलेज्ड, बोल लेते हैं इंग्लिश में, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है. इट्स उनसे ज़्यादा और लोगों को मसला होता है एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. So that video ended up getting like 300,000 ish views, और वो मेरी सबसे ज़्यादा viewed video थी on TikTok. तो उस पे I got like a lot of hate. तो you got hate? Yeah, क्योंकि TikTok पे there's this concept where they demonize or alienize burgers, और अगर कोई burger है तो बस they're basically the outcast. तो yeah, so get ready to be called burgers. Unless you are a girl, then they simp all over you. They will simp all over you. Huh? That's an interesting concept. We need to get into that. But first, आप और मैं तो burger हैं ना. ये लोग दोनों नहीं हैं. आप burger नहीं हैं. आप see, you don't qualify as a burger because you've lived in Canada. And once you live in Canada, you are disqualified from that. I don't think. Let's unpack that. I mean, I know creators इधर जो abroad से आए हैं वो they're called burgers. यार मैं कौन कौन अभी आप चारों में से मानता है कि वो बर्गर है? I think I'm a burger, यार. हाँ, क्या है वो क्लासिफिकेशन क्या है? यार, okay, so there's nothing wrong with this. अरे हाँ, सुन लिया हमने वो. अरे भाई, नहीं नहीं, बर्गर नहीं कह रहा. नहीं तो बर्गर classifies as first of being privileged, being a softie, कुछ in कुछ cases, थोड़ी बहुत पॉप कल्चर रेफरेंसेस होती हैं, इंग्लिश मूवीज रेफरेंसेस होती हैं. पेरेंट मेरे दोस्त समझ गया था. I don't know how that makes sense. I don't agree with any of that. Burger की definition. Let him continue, please. Don't speak over him, Irfan bhai. By original definition, a burger is someone who tries way too hard to be either an American or someone from abroad. In my point of view, एक तो वो है जिसको consider करते हैं, वो अलग चीज़ है. लेकिन burger की definition जो मुझे समझ में आई है, सही definition वो ये है somebody who cannot connect with or relate with or tries or portrays कि he cannot connect or you know resonate portray करते हैं वो, या तो portray करते हैं या तो genuinely उनको यहाँ का culture, यहाँ की चीज़ें समझ ही नहीं आती. वो उससे ना अपने आप को associate कर या तो करते नहीं है या तो imply करते हैं कि हम कर नहीं सकते. Conscious aloofness. या कि यार ये चीज़ें तो मुझे समझ ही नहीं आती. एड होमिनम अटैक हो रहा है हमारे ऊपर, आपके मेरे ऊपर. एड होमिनम का मतलब नहीं पता मुझे, भी नहीं पता. एड होमिनम अटैक इज बेसिकली द वे यू आर्ग्यू इज यू एंड आई आर्ग्यू ऑन आवर पॉइंट्स ऑफ व्यूज. एड होमिनम अटैक इज एन एरोनियस फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जहाँ पे यू अटैक मी, इट्स लैटिन फॉर टू द पर्सन. यू अटैक मी एंड आई अटैक यू. इरफान भाई कुर्ता देखा है आपने? आप क्या बात कर रहे हैं? सलमान बारिक मानसल, गेट इन टच प्लीज, आई वांट योर कुर्ता. कौन, हु, व्हाट? अच्छा तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ. मैंने बड़ा सोच समझ के डेफिनेशन निकाली है, सही है. आपके नाक में कुछ चीज़ें होती हैं नाक के अंदर, बुगर्स. हाँ, इफ़ यू कॉल इट दैट देन यू आर अ बर्गर. लेकिन अगर आप उसको एक एनिमल के नाम से देन यू आर नॉट अ बर्गर. ये बड़ा सोचने समझ कॉन्टेम्पलेट करने के बाद ये मैंने ना एक लिटमस टेस्ट है. व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ अ बर्गर? अमेला? नहीं नहीं, वो बहुत ही नहीं, मतलब नहीं. देखें एक पूरा स्पेक्ट्रम है. ओह अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब एक और मसले हाथ ये भी आ जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बर्गर जो हैं वो मेला कहते हैं और मेले जो हैं वो बर्गर कहते हैं। मेरे ख्याल में ये है इस्लामाबाद में बर्गर और पिंडी बॉयज होते हैं और बीच के एक बच्चे होते हैं शोरमा बच्चे। आई थिंक मैं वो उधर वो क्लास में यहाँ पे अड्डे वाला बर्गर होता है क्योंकि बर्गर मुझे कहते हैं तो यू आर नॉट टू कूल फॉर अस एंड जो दूसरी साइड होती है लाइक यू आर नॉट टू कूल फॉर अस तो मैं आउटकास्ट ही हूँ एक तरह से। मैं क्लब सैंडविच तुम तो यूएस में रहते हो तुम बात ही ना करो। मोमेंट ऑफ साइलेंस। जी 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 बिल्कुल जी जी इरफान भाई से क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है कि मैंने निकालो यार। बट आई थिंक इरफान भाई की डेफिनेशन होगी सही बट वही बात है कि अगर उस डेफिनेशन को कोई मानता ही नहीं है और अब एक नई डेफिनेशन। अबे कौन डेफिनेशन बनाने वाला है? कौन? अगर उस डेफिनेशन का इट्स बीन सो चेंज नाउ और उसका मतलब ही कुछ और है कि जस्ट कोई भी बंदा थोड़ा एक एटीट्यूड या किसी और चीज से डिटरमिन हो रहा है तो व्हाई। हां बट इट हैज द थिंग इज दैट द टर्म the colloquial use of the term has been bastardized ना बहुत कि अब कोई भी मेरे से थोड़ा अलग है तो किसी भी दो तीन ट्रेड्स ही होने चाहिए उसके पास। इंग्लिश बोल रहा है बर्गर, उर्दू बोल रहा है मैला, सुपारी खाता है मैला, सिगरेट पीता है मैला। what it has been what bastardized गाली दे रहे मैला यार ये बहुत लंबी इसका मतलब है उसको बिल्कुल खराब कर दिया तो bastardized कर दी उसको। मैं मुझे लगता है कि ये बहुत एक लंबी डिस्कशन है जिसका कोई वो नहीं है एंड पॉइंट नहीं है। हमने लंबी ही करनी है लेकिन समझ नहीं रहे पॉडकास्ट पे होता क्या है। मैं बिल्कुल मैंने ये अपने मुझे भी मेरे ऊपर भी बहुत मीम्स हैं जुनेजो बर्गर। अब मैं अपना पूरा कंटेंट अगर देखता हूँ तो आई एम नॉट कम्फर्ट। मैंने तो 1000 दफ़ा ऑन कैमरा बोला है कि मेरा कोई भी आप इंग्लिश इंटरव्यू देख लें आपको नज़र आ जाएगा कि मैं कितना कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश बोलने में। और उसके बाद आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट मेरी जो सबसे ज़्यादा हटी थी ना जिस तरह बालाज की हटी थी मेरी इस बात पे हटी थी कि हमारा मीम कल्चर जो था अभी थोड़ा सा बेहतर है 10% बिकॉज ऑफ सॉल्ट। लेकिन उस टाइम पे जो हमारा मीम कल्चर बन गया था ना बीच में एक टाइम आया था विच वॉज एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड पर्सनल अटैक्स। और अगर गलती से आपने पता नहीं अपनी बेगम के साथ तस्वीर लगा दी फ़ौरन स्क्रीनशॉट मतलब हम कुत्ते वाली कर देंगे किसी की भी। अल्लाह रहम करे। ठीक है तो द थिंग दैट पिस्ड मी ऑफ वाज दैट आई वाज वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड टू मेक कंटेंट आई और मैंने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। नो कंट्रोवर्सीज, नो फड्डे, कुछ भी नहीं। तो द ओनली थिंग दैट यू कुड कम अप विद द ओनली थिंग ये तो बर्गर है। That's what pissed me off. और अब मुझे वो फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि अगर सही है मैं अगर बर्गर हूँ। I found an audience in India. I found an audience in Pakistan. I found an audience in Nepal, in Bangladesh. तो शायद मुझे अगर कोई बर्गर कह रहा है तो उसकी नीयत में शायद खोट है। अगर मैं बर्गर होता है तो I would have found a niche audience. I have a mass audience. Alhamdulillah. Casual flex. Yeah. Casual. ये mental strength पे काम करने के बाद हुआ है। Round of applause होनी चाहिए। ये self awareness। अभी आप वो plug कर दो आप भी तस्कीन call this number taskin.org/chatbot. It's important dude. Mental health is a serious thing and get in touch. And the problem is कि हम वैसे there's a generational gap between us and you guys as well लेकिन जो हमसे बड़े हैं ना it's really difficult for them to understand that our cognitive capital is depleting right यार देखो मैंने वीडियो बनाई थी आपने देखी है कब? ओ मेरे रिकमेंडेशन चैनल पे है कि सोचने समझने की सलाहियत लिमिटेड होती है। देयर आर 3 थिंग्स दैट आई एग्री। ये कोड में रोजाना सुबह सोचता हूँ कि आज अप्लाई करूंगा लेकिन होता नहीं मुझसे। देयर आर 3 थिंग्स that you are running out of every day and you should be mindful of it. One is time, one is energy and one is attention. So if you are wasting your attention on कि ये इसने क्या पोस्ट किया है स्वाइप जब आप वो कर 4 घंटे के वो करने के बाद जब you actually sit down to write something आपने cognitive capital अपना जला दिया आधे से ज़्यादा। तो that's what it means. तो as a generation that is enamored by so many pursuits that burn your cognitive capital, right? It is almost impossible to explain to our parents how compromised we are mentally. It just doesn't register, right? And they mean the best when they say things like, hey, hamare jo bhi bade ho. They mean the best when they say things like, just be positive. You know, just don't think about it. It's impossible. Ya to phir aap chalo hunza aur phone won ek taraf kar do and go live the life that they've lived in our ages, and maybe then you will recover some. Yeah. Nahi to kya ho gaya? नहीं, मैं आगे कर थोड़ा सीरियस था. हाँ. वो कहा जाता है ना कि मतलब इंटेंट बहुत खूबसूरत होती है उनकी बेशक, लेकिन कहते हैं ना कि बस क्या कहते हैं, स्माइल करो एंड बी ओके. तो देयर इंटेंट इज ऑब्वियसली ओके, बट नहीं, आई डिसएग्री विद इट. या सेम, बिकॉज़ इट्स लाइक ए टॉक्सिक पॉजिटिविटी. देयर इज अ बुक जिसका नाम है द हैप्पीनेस एडवांटेज. द हैप्पीनेस एडवांटेज, उसका जो मेन प्रेमिस है, मुद्दा वो ये है कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि हमें ये चीज़ मिलेगी तो हम खुश होंगे, लेकिन वो बुक ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है कि अगर आप अपने आप को समझा लेते ना कि आप खुश हैं तो आपका दिमाग बेहतर काम करता है, आपकी एनर्जी अच्छी होती है, आपकी फिज़िकल हेल्थ बेहतर होती है, एंड देन यू कैन एक्चुअली अचीव दोज थिंग्स. But the problem is जो मैंने अभी वैसे ही बोला ना कि as a generation that is enamored by this social media consumption culture, you cannot in good conscience convince yourself of exactly that ना, because आप हमेशा कम होगे, right? किस चीज़ से ये सोचना थोड़ा मुश्किल होता है फादर, मुझे लगता है यार. कुछ हद तक उनकी बात ठीक है कि जिस तरह if you want to practice being humble, you have to fake being humble and then you eventually adapt those habits, kyunki no ek snap mein koi bhi humble nahi ho jata. That's just how the dynamics of it works. Sure. I do agree with what he said, but वही बात है कि बंदा कर ले तो यार I think you're being problematic. हमारी conversation यहाँ ये है ना कि क्या तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए, that will make you happy, what is it that you want, and then this argument comes that you can get everything in your life that you ever wanted, like me, and still you will be miserable. Happiness is not achieved. You become happy. You don't achieve happiness. तुमने आज अगर अपने आप को ये समझा लिया, takes time, mental strength, ये वो. If you are able to convince yourself that whatever I have right now is enough for me, so ये मुझे एक्स्ट्रा मिलता है I'll be happy, अलहमदिल्ला, लेकिन नहीं मिलता तो मैं अभी खुश हूँ, I have enough. कल परसों मैंने रायन हॉलीडे की वो शेयर की थी, अगर नहीं देखी तो मैं छोटे में एक्सप्लेन कर दूँगा बाद में. तो you don't need anything in your life. जब तक एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है महंगी बाइकें लेके और ये सब करके, कि आपकी हैप्पीनेस अगर हमेशा फ्यूचर में है ना तो फिर आप भाग ही रहे हैं बस. यू टेल योर सेल्फ क्या जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा ना मैं खुश नहीं होऊंगा, तो फिर आप भागते रहो. एक मशहूर शायर है बिगी स्पॉल्स, उन्होंने फरमाया क्या मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स. मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है मैं एग्री करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप को बताया जा सकता है कि हम खुश हैं. मुझे लगता है खुश का लफ्ज गलत है, क्योंकि खुशी सिर्फ एक फ्लीटिंग मोमेंट. या तो आई थिंक द वर्ड ऑफ हैप्पीनेस इज रॉन्ग. मतलब आई गेट सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट. हाँ, तो आई थिंक दोज आर अ बेटर स्टेट्स ऑफ माइंड दैट आर कांस्टेंट, बिकॉज़ हैप्पीनेस कैन नॉट बी, मतलब इट जस्ट कैन't बी कांस्टेंट. वेल, आई थिंक द प्रीऑक्यूपेशन विद एनीथिंग कांस्टेंट, एनीथिंग अनकंडीशनल इज प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि हम वही सोच रहे होते हैं कि यार बस ये चीज ऐसे ही रहे. भाई कैसे ऐसे ही रहे? आप इंसान हो, आप खुद ही ऐसे नहीं रह सकते हो. आई एम नॉट इवन व्हाट आई वाज यस्टरडे, फॉरगेट 5 इयर्स अगो, 1 सेकंड अगो. गॉड डैम इट. तो मुझे बताएं सब लोग कि आपकी जिंदगी में वो क्या चीज है that you think if you get it you will become a little bit more content and satisfied. Financial liberation, a successful table tennis infrastructure in Pakistan. If you have a successful infrastructure in Pakistan, you don't live here, so how will it benefit you? Burger bolo. नहीं अगर अच्छा एज ऑफ इन रियल टाइम बात करें कि अभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या तुम्हें चाहिए वो हो गया तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस से तुम थोड़ा सा करीब पहुंच जाओगे या कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन? तुम क्या कह रहे थे? मुझे लगता है कि कोई भी चाहत किसी चीज़ की वो पूरी हो जाने से आपको वो चाहत पूरी हो जाती है, लेकिन वो खुशी अल्टीमेटली तब तक रहती है जब वो खुशी उस सफर में रहती है। When you finally get it, वो खुशी चली जाती है। The process is what's beautiful. Pursuit of happiness. Pursuit of happiness. क्या बात? किट कैट का गाना सुना है? Pursuit of happiness. नहीं, मूवी देखी है मैंने विल स्मिथ की Pursuit of happiness। मूवी अच्छी है। खैर आप क्या बोल रहे थे? Therapy. God damn. True. Get therapy. Get therapy. Get therapy. I'm on the pursuit of happiness. लेकिन हाँ मुझे लगता है कि tough crowd. Peace of mind. Donations to the right. Your pursuit. Peace of mind. Peace of mind. Yes. What about it? Loss of peace of mind. क्या कहते हैं? Murder of anxiety. Murder of anxiety. Yeah. ये क्या देखो? नहीं. ये books. अच्छा नहीं वो बात हो रही है. ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ. ये चीजें मिलेंगी. तो फिर so anxiety, here's the thing, here's what's interesting about anxieties. There are schools of psychotherapy, of counseling, that understand anxieties to be a good thing. Anxieties are. मैं बात कर लूँ. Anxieties are automated autonomous triggers that your mind sets up traps कि ये ऐसी कोई चीज़ होने लगे ना तो आप इस anxiety को trigger करोगे. You are born with anxieties. The first anxiety that you experience is annihilation anxiety. पूरा वजूद ख़त्म हो जाएगा. Annihilation anxiety. जब बच्चे Annihilation. Annihilation anxiety, right? When a baby cries, it cries because it thinks everything's going to end. Everything, right? A baby gets a little older, and if the situation is a certain way, they get over annihilation anxiety. Then comes abandonment. I don't know the chronology exactly, but then comes somewhere along the way abandonment anxiety. कि जो मेरे loved ones हैं मुझे छोड़ जाएंगे. That's where anxiety comes from. So the murder of anxieties would actually leave you prone to a lot of chaos. It is the management. Yeah, again, मतलब वही जो ये कह रहा था कि excess of anything is bad. What I guess meant is constant recurring. हाँ तो फिर आप सही तरीके से बोला करें. High functioning. ना. तुम्हें नहीं है. यार मेरी डॉक्टर साहब असद भाई से बात हुई थी इस बारे में and he said कि anxiety in healthy doses is actually healthy. क्योंकि इफ़ मेरा कल एग्ज़ाम है एंड मुझे रिज़ल्ट की एनजाइटी होके अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे तो आई स्टडी फॉर इट. बट अगर वही एनजाइटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम स्टडीइंग दैट इज़ अनहेल्दी एनजाइटी. सो आई थिंक सो द प्रॉब्लम द वे योर माइंड डील्स विद एनजाइटी इज इट डेवलप्स डिफेंस मैकेनिज़म्स. आई थिंक व्हाट नीड्स टू हैपन मतलब थेरेपी में एटलीस्ट ये होता है कि आप अपने डिफेंस मैकेनिज़म्स को sort out करते हो, sift through करते हो. People have all sorts of defense mechanisms. Some people project. Some people become. What do you mean project? यार जो भी मसला उनके ऊपर है ना anxiety होती they start putting it on you. Like मैं देर से आ रहा हूँ I'm like yeah Baalaaj why are you always late? When you're like Kazi bhai no I was on time. Yeah you हाँ you were late हाँ okay और फिर आप इस किस्म की फजूल बातें करना शुरू करते हैं and then just gaslights me and you know and then I get upset and it's really uncomfortable for me and you know sometimes you think you're fine you don't be sad it's okay just be happy dude and it works like that and it works just be happy and it'll work. Who needs a skin? Wait get therapy. Sarcasm चल रहा है जिसको नहीं पता. हाँ जिसको नहीं पता अब उसको पता है. What are we saying about the beautiful cancel culture on Clubhouse? Clubhouse? Yeah. I feel like Clubhouse Twitter बन गया है. वही होता है जो Twitter पे हो रहा था. नई कंट्रोवर्सी होती है, नए रूम्स बनते हैं, वही टाइप कुछ होता है. Does this person deserve rights in Pakistan? ये वो कुछ something of that nature. ये बना होता है लोग आके अपने ओपिनियंस देते हैं अब वही मुश्किल अल्फाजों के साथ जो कि कब आधे टाइम समझ भी नहीं आते, गुस्सा करते हैं, अगले दिन नई कंट्रोवर्सी होती है वो भूल के उस पर आ जाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। अब मैंने सोच लिया मैं उन रूम में जाऊँगा ही नहीं जिन पे ये बातें होती है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू चिल, सोशलाइज। और मैं वैसे ही क्लब हाउस इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ऐप। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड गॉटन रिलेटिवली क्लोज टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं पहले नहीं जानता था। यू आई मेट ऑन क्लब हाउस सो मैनी अदर पीपल। तो आई थिंक क्लब हाउस के वो वाले रूम सक। मुझे जो है जनरली कैंसर कल्चर का मसला ये नज़र आता है कि मैं अक्सरियत में इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलता हूँ नहीं, क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ बोलना चाहता हूँ और बगैर क्लैरिटी के फजूल में कोई ओपिनियन नहीं देना चाह रहा, क्योंकि अपने ओपिनियन की हम वैल्यू करते हैं। तो क्या बोलो भाई, वैल्यू करते हैं तो वैल्यू करते हैं। तो मुझे लगता है कि कैंसर कल्चर हैज बिकम मोर ऑफ अ ट्रेंड ऑफ हेटिंग देन टू कॉल आउट पीपल। रिक्रिएशनल आउटरीच, दैट एग्जैक्टली, यस, और एग्जैक्टली हाँ। तो क्या कहते हैं, मतलब इस ट्रेंड बन गया टू हेट मोर देन टू सपोर्ट, टू कॉल आउट द पीपल हु हैव कॉज्ड हार्म टू पीपल। इट्स बिकम मोर अबाउट हार्मिंग द पीपल हु हैव कॉज्ड instead of getting justice, which is what it should be, to get justice for the victims, because it's more about them. So the victims should be prioritized. Yes. Eventually, it's about the victim. They're the first. Okay. So let me. शायद मुझे अच्छा हाँ. Sorry. Let me offer a paradigm shift here, right? If it's about the victim, right? Shouldn't the priority be to harm the violator? Yeah, harm the violator so that there aren't any more victims. True. Okay, I agree. There aren't any more victims. Thoda, can you elaborate on that? I want to talk. Yes, about I can. So well, okay, Mr. Kazi. तो देखिए आपका खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे, किसी बंदे ने किसी और इंसान के साथ जाती की, attacker, victim, right? Ab ye, if we focus on the victim, sure, they need to heal, he or she or whoever, whatever they identify as, they need to heal, right? The attacker, if left unchecked, right, if left to their own devices, will do this again. We're assuming, yeah, right? I just want to clarify something. I meant ke to get the victim's justice. Now, however it may supposed to be. तो बस विक्टिम को जिस तरीके से आप फिर से अपना क्लेम नहीं चेंज कर सकते। जस्टिस क्या, अब ये भी डिफाइन करना पड़ेगा जस्टिस है क्या। एक विक्टिम बोलेगा कि मैं चाहता हूँ इसको फांसी हो जाए, जबकि उसका क्राइम शायद इतना वो ना हो। वो अब मैंने यही इसलिए पूछा था ये क्वेश्चन, क्योंकि आई फील है कि जो स्पेशली कैंसिल कल्चर में होता ये है कि आई डू बिलीव द राइट कैंसिल कल्चर इफ डन द राइट वे इज़ वेरी नाइस। मैं पहले भी आई थिंक आपकी पॉडकास्ट पे बात की थी। बट हर क्राइम की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, एंड यूजुअली आजकल जिस तरह हम देखते हैं, फ्रॉम अ क्राइम दैट्स नॉट एज इंटेंस फ्रॉम टू अ क्राइम दैट्स लाइक वेरी इंटेंस, उसको एक लेबल में रखा जाता है। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि यू आर डीमोनाइजिंग एवरीवन, but they should be demonized according to the crime they commit and what degree the crime was basically. English खत्म हो गई अब, बस ये but नहीं हाँ। तो I feel like के ये देखना चाहिए कि degree क्या है, क्योंकि if you're then again if you're, क्योंकि हम पाकिस्तान में if you're a religious person, अगर आप उस degree से ज़्यादा उस बंदे पे उसको punish करेंगे, that's on you, because then again that's you bullying them. They did what they did. You punish them to the extent that they deserve to be punished. उससे ज़्यादा if you're doing anything, you're the oppressor. खबरदार जो मुझे बोला ये पॉडकास्ट एडिट करो, मैं नहीं करूँगा। इसने बोला अपनी मर्जी से बोला। He stands by. He stands by. He stands by. Leave it alone. Leave it alone. अच्छा मैं आ रहा हूँ। I'll be right back. I have to go pee. I'll also bring back some goodies. Right, that would be nice. That would be amazing. लेकिन कॉफी विद आई मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। मेरी इसको पता नहीं इसने क्या बोला है। हाँ, मुझे अभी नहीं पता इसकी इंग्लिश ऊपर नीचे। अरे नहीं भाई, मैंने जो है बहुत गलत चीज बोली। अच्छा मैंने बहुत गलत। अच्छा रुक जाओ। हाँ, मैंने तो बिल्कुल सही बोला। असद भाई से बात की। ये क्या, ये रुकेंगे नहीं, आप लोग बात करो। ओ जी तो ये चल रही है ऑफ कोर्स। भाई इधर कोई बैठ सकता है? नहीं। अच्छा तो आप कर लें कवर जो आपको करना है। डिलीट करो। ये एडिट होगी, ये एडिट होगी। बट खैर वो आप यार ये इसलिए बोला है ना, वो एडिट कर लेना प्लीज। ठीक है थैंक यू। आप आपके बाल बड़े अच्छा लगता है। बट यार जी आपका क्या चल रहा है यार? क्लब हाउस कैंसल कल्चर मैंने सिर्फ एक दफ़ा देखा है अपने सामने लाइव होता हुआ। आई थिंक हम सब उसी की बात कर रहे हैं। और मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी ग्रुप में इतने ज़्यादा लोग नहीं देखे, चाहे वहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो या इंटेलेक्चुअल हो या फिलोसोफर हो, स्पोर्ट्समैन हो। तो ये आपको दिखाता है कि कैंसल कल्चर, जब किसी की इज्जत पब्लिकली उतर रही होती है तो लोगों को तमाशा देखने में कितना मज़ा आता है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। सही है। उस पूरे रूम में मैंने उसको पूरा फॉलो किया और मैंने ये देखा कि जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रही थी ना, ये पहले हम बात करते हैं कि इन सब क्या होना चाहिए था। एक लड़की थी, उसने बोला कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, लड़के ने कवर करने की कोशिश की। दूसरी लड़की आई, उसने बोला मेरे साथ भी सेम हुआ है, लड़के ने कवर किया। तीसरी लड़की आई, फिर चौथी आई, फिर पाँचवीं आई। एंड में लड़के को भागना पड़ा वहाँ से, उसने अपना वो बदला और कहीं और निकल गया। और उस क्योंकि यूजुअली ये एक पैटर्न में होता है, ठीक है, अगर कोई इस तरह का सीन होता है। खैर तो आहिस्ता आहिस्ता उस रूम में बात चलती रही और उस लड़की का मकसद सिर्फ ये था कि मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं चाहती हूँ कि और किसी के साथ ना हो, और अगर हो रहा है तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। ये था उसका लड़की का गोल। फिर बाद में वो ये बन गया कि लड़के बन गए अपनी तरफ से बड़े हातिमताई सिंगम। मैंने इसके ऑफिस कॉल कर दिया है, मैंने इसके बॉस को भी बता दिया है और मैंने ये भी कर दिया। अब ये मुझे सड़क पे नज़र आए, मैंने इसके फ्रेंड्स को जाके भी मैसेज कर दिया है और मैंने ये भी कर दिया है, मैंने वो। लड़की ने, द विक्टिम हरसेल्फ, डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। उसने अपने मुंह से ये कुछ भी नहीं बोला। आई एम श्योर वो लड़की अपने मुंह से ये सब, ये वो कैमरा एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। वो लड़की अपने मुंह से बोल सकती थी। वो हम बात करते हैं कि क्या वो फेयर है नहीं है, फिर यू हैव टू इन्वॉल्व द जस्टिस सिस्टम, कोर्ट, ये वो। लेकिन इस सिचुएशन में लड़की ने खुद कुछ नहीं बोला था। हम बन गए विजिलांटे और हमने बोला कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। एंड में आपस में लड़कों के फड्डे हो रहे हैं, उस लड़की को विक्टिम ब्लेम कर रहे हैं, क्या आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया, आपको क्या तकलीफ़ थी, आप बस ब्लॉक कर सकती थी। दूसरे ग्रुप में जाके उस लड़के को सिंपैथी मिल रही है, मैंने सुना है उसको सिंपैथी मिल रही थी। और उसी ग्रुप में लड़की को लोग बोल रहे थे कि यार वो माफ़ कर रहा है, अब उसको माफ़ी कर देनी चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए और ये वो। और विक्टिम को कटा दिया and it became all about the people then. Yeah, that happened और ये मैंने देखा भी था। So it was a very weird thing. Although जैसे आप जो vigilantes बन गए थे वो तो I believe बहुत गलत बात है। खुद ही jury नहीं बन जाना चाहिए और judge भी नहीं, जो तुम कहते हो basically वो नहीं करना चाहिए। But I do believe के if someone does harass या को something of that you know proclivity, तो at least then again ये सरप्राइज से मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी। और आई थिंक उस बंदे के सोशल क्या हंसने की बात है। आई लाइक मिल्क यार, ये मैंने स्पेशल पेस्चराइज मिल्क मैंने लिया था क्योंकि अगर आपने सारी जिंदगी ये दूध ब्रांड का नाम, अगर आपने सारी जिंदगी यार, इस ब्रांड ने मुझे पैसे दिए, अगर आपने सारी ज़िंदगी डब्बे वाला दूध पिया है या आपने वो जो दूध वाला लेके आता है डायरेक्ट बाड़े से वो वाला दूध पिया है और आपने कभी पेस्चराइज नहीं पिया, हमने साउंड इफेक्ट्स भी डाले तो तो आप बहुत मिस आउट कर रहे हैं भाई। पेस्चराइज ब्रांड कोई भी पिए, ये खैर हमें यही मिल रहा था। कोई भी पेस्चराइज मिल्क जिसने नहीं पिया ना वो जिया ही नहीं, लाहौर की तरह ही। ये इनका दूध कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, मैं यही कह रहा था कि असद भाई से मेरी इस बारे में बात हुई थी एंड उन्होंने यही कहा था इफ समवन डज हरास और डज समथिंग ऑफ दैट प्रोक्लिविटी, तो एटलीस्ट उनके सोशल सर्कल्स, उनके वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. बट जो देन अगेन वही बात है कि लोगों ने दे सर्व्ड एज अ विजिलेंटी या जो भी खुद ही करने कर रहे थे, दैट जस्ट ब्रिंग्स आउट मोर प्रॉब्लम. एंड आई थिंक थोड़ा एक सिस्टम के साथ करना चाहिए दैट एक्चुअली इज़ बेटर फॉर द विक्टिम and the system and everything, like just weigh down the pros and cons. You people, हम तो ऐसे नेविगेट करते हैं कैंसल कल्चर को कि जब भी इस तरह का कोई सीन होता है आई लिसन टू बोथ साइड्स. और उसके बाद मैंने क्लब हाउस में ही बोला हुआ है, मैं मेरे जहन में अभी तक इसका ये सोल्यूशन आया, मे बी फ्यूचर में चेंज हो जाए. जब भी कोई ऐसा सीन होता है पब्लिकली, और भले वो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे फेमस लोग हैं, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, स्पोर्ट्समैन, इन पे एलिगेशन लगा और लोग आपको डीएम करते हैं, लोग तो हैं मीस ने, बात करो इसके बारे में, इसके बारे में बोलो, क्यों नहीं बोल रहे इसके बारे में बात करो. तो मैंने इसको नेविगेट अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ये हाल निकाला है कि दोनों साइड्स की मैं बात सुनूंगा और जो मेरी गट फीलिंग बोलेगी उस हिसाब से मैं डिसाइड कर लूँगा कि डू आई वांट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस पर्सन इन द फ्यूचर और नॉट. वो मैंने उस वक्त फ़ैसला कर लिया. लेकिन इफ़ दे हर्ट समबडी दैट आई नो, जिनसे मेरी सलाम दुआ है, बातचीत है, इफ़ यू हैव हर्ट समबडी जो मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है, मेरा दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी, उसको अगर आपने हर्ट किया तो आई विल पब्लिकली डिसोसिएट माई सेल्फ विद यू, क्योंकि मैंने उनको आइंदा मुंह दिखाना है. अगर मुझे वो लड़की दोबारा कहीं मिलती है और मैं उसको बोल दूँ यार मेरी चिल सीन है, बड़ी है, अपना दी, तो मैं उसको फेस नहीं कर सकता. तो मैंने इसको नेविगेट करने का ये तरीका निकाला. यू आर एक्टिंग इन बैड फेथ फॉर हर इफ यू डोंट डिसोसिएट पब्लिकली एट लीस्ट, या और हिम. ये है मेरा इस चीज़ का, इससे इसको नेविगेट करने का तरीका. मैं किसी को अनजस्टली वो नहीं करना चाहता, किसी को जानबूझ के किसी गुनहगार को सपोर्ट नहीं करना चाहता. तो खामोशी से अपनी पतली गली पकड़ो, काम करो. दैट्स हाउ आई नेविगेट अराउंड. क्योंकि लॉ भी ये कहता है कि अगर 100 गुनहगार छूट जाएं तो दैट्स स्टिल ओके, लेकिन अगर एक बेगुनाह को फांसी हो जाए वो ज़्यादा बड़ा गुनाह है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी अगर कोई एलिगेशन करता है तो आप उसको बिल्कुल क्या करते हैं, इनवैलिडेट. हाँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और आपको लोग कहते हैं कि बात करो इसके बारे में, बात करो, बात क्यों नहीं कर रहे, तो देन इट कैन बिकम अ वेरी विशियस साइकिल. और अब तो लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आई डोंट नो वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन. आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद बालाज कि एक बंदा ने कुछ गलत काम किया, उसके दोस्त जो हैं वो सारे इनेबलर हो गए, उनसे भी कट हो तुम ऑटोमेटिकली. हाँ सही है, अगर मेरी एक गुनहगार से दोस्ती नहीं है लेकिन उसके किसी दोस्त से दोस्ती है तो मैं उसके इनेबलर का दोस्त हूँ, ठीक है, उनसे भी कटूँ. लेकिन फिर अगर मैं किसी के इनेबलर के दोस्त का दोस्त हूँ तो फिर उससे भी कटूँगा. और फिर ये चेन चल रही है पूरी दुनिया में. ये गलत है. हाँ, फिर उसके कुत्ते की बात आ गई, उसके कुत्ते को क्यों. देन इट बिकम्स मोर अबाउट दोस पीपल देन द एक्ट. ये दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग ही सेज कि क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो विक्टिम्स हैं और द पीपल इन्फ्लुएंस, उनकी वेल बीइंग and if they're doing exactly. good and then exactly. How they're feeling. If you're making it more about hating on the person that did the how would you call that person? A person that are associated with the act, the person that are associated with the act, agar aap if you hate them for the sake of hating them and not for the sake of not for the sake of caring for the mental and physical well-being of the people victims, so I think usme it's just a question you need to ask yourself. Okay, if you're doing and I also think it's an evolving conversation. अगर हम लोग 4 महीने 2 साल बाद दोबारा यही बात करें तो शायद हम सबके आंसर मुख्तलिफ हों. क्योंकि I would like to quote a very relevant example. मुझे ये लगता था कि अगर you know के आपकी गट फीलिंग आपको कहती है कि ये इस बंदे ने कुछ शेडी काम किया है और यू हैव डिसएसोसिएटेड योरसेल्फ। पब्लिकली आपने नहीं बोला क्योंकि फिर आप एफआईए और यू नो आपने मुझ पर डेफेमेशन को जिस तरह क्रिमिनलाइज़ किया है, क्रिमिनलाइज तो वेपनाइज, आपने खामोशी से कट लिया। फिर यू हैव टू शेयर अ स्टेज विद देम, अवार्ड शो, कोई भी चीज़, और आपने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया कि आई डोंट वांट यू नो अटेंड। तो ये मुझे लगता था कि ये सही तरीका है, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। और इफ़ यू रियली बिलीव इन दिस कॉज आप बोलें कि भाई मैं ये स्टेज इनके साथ शेयर नहीं करूँगा, जिस तरह हमारे अवार्ड शोज़ में हुआ है एक दो दफ़ा। फिर रिसेंट ओलंपिक्स में मैंने देखा कि कोई स्विमर्स थे या कोई वो पतली तलवार वो टिंग 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 वाले थे, आई एम नॉट श्योर कौन थे, फेंसिंग, हाँ फेंसिंग, लेकिन आई थिंक स्विमर्स थे या वो डाइवर थे। उन्होंने एक कोई दो लोग थे, उनके साथ एक टीममेट था जिस पे इस तरह के एलिगेशंस थे। अब ओलंपिक एक बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस इवेंट है, दे डू नॉट वांट टू मिस इट। उन्होंने पूरे ओलंपिक्स में एक पिंक कलर का मास्क पहन के रखा और जब किसी ने भी पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हमारी प्रोटेस्ट है कि वी आर फोर्स टू शेयर द रूम और जो भी दिस इवेंट विद दिस पर्सन, वी डोंट अप्रूव ऑफ दिस। लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने ओलंपिक भी अटेंड किया, लेकिन दे मेड इट, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भाई ये हमारा स्टैंड है। तो आई थिंक दैट्स मच मोर पावरफुल एंड आई हैव चेंज माई स्टैंड ऑन दैट। अगर फ्यूचर में मुझे मेरे पास ऐसा कोई हो तो नाउ माई रिएक्शन माइट बी डिफरेंट। तो ये एक इवॉल्विंग कॉन्वर्सेशन है, ये चलती रहेगी। लेकिन टू समराइज कैंसिल कल्चर, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। खामोशी से जो करना है करो, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने उससे ही सोच सकता हूँ क्योंकि आई एम वेदर यू लाइक इट और नॉट अ पब्लिक फिगर। बट इफ़ यू हर्ट समबडी दैट आई नो, तो फिर मैं मेरे ऊपर एक मॉरल वो बन जाता है, क्या ऑब्लिगेशन, चेक कर रहा था इनको पता है नहीं, मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि मैं बोलूँ दुनिया को कि यार मैं, ये मेरा दोस्त है, इससे मेरी जान पहचान है, मैं किधर खड़ा हूँ। ये जो आपने, तो अब क्या करें बालाज? कुछ कैजुअल बात करनी है आपको, ये शर्ट कितनी अच्छी तो है। हाउ इज योर क्लोथिंग लाइन गोइंग एंड व्हेन आर यू टू स्टार्टिंग वन? मुझे पर्सनली कोई ऐसा सच इंटरेस्ट नहीं है क्लोथिंग लाइन शुरू करने में। क्यों, आपको पैसों से नफरत है? नहीं, clothing line शुरू कर, पैसे, clothing line is a lot of hard work by the, just saying, never mind, I'm sure, लेकिन I don't know, I've never really been interested in launching a specific clothing line, लेकिन क्या इरफान भाई बॉटली हो गए दूध के ऊपर। You're just sitting next to him. Are you sitting next to him? Irfan bhai, talk. Oh bhai, yeah, at least maintain some decorum. No, this is like for your story, no? Oh, thank you. For the promotion. Irfan bhai caught in the act. Got milk? Question mark. Yeah. He drank milk during the pod. Question mark. Clothing line में as such मेरे को interest नहीं है, लेकिन होने लगा है after I've seen website. तो उससे मैं बड़ी इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। A website and I love that website. It's a website that I really want to take inspiration from when I launch my own. Inshallah. Merchandise, let's say, वो है A24 की। A24 एक film production company. और yeah, the way I think I like where your head's at because from what I understand, a clothing line or a merchandise to be is a manifestation. of your creativity. Sure. जैसे आपका काम एक manifestation होता है, उसी तरीके से you know, जैसे इरफान भाई का जो है the designs and all, they're manifest, like it makes sense, right? It's like okay, I even if it wasn't called scenes per se, right? You would hope that if someone saw it, they'd be like, oh, okay, Irfan Junejo, right? And in that vein, I think it's interesting. And also नवाल भाई जो बोलते रहते हैं, इरफान भाई मेरे दोस्त हैं, इंट्रोड्यूस कर देंगे आपको. वो बोलते रहते हैं कि यू मस्ट प्रोडक्टिवाइज योर सेल्फ इन एवरी विच वे, एंड आई थिंक मर्चेंडाइज इज एन एक्सलेंट वे ऑफ प्रोडक्टिवाइजिंग योरसेल्फ. आई गेस सो. मतलब मुझे पर्सनली सर इसलिए अच्छी लगी थी A24 की वेबसाइट क्योंकि दे हैव वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज. और उनकी जैसे एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है मिनारी, बहुत खूबसूरत मूवी है. क्या नाम है? मिनारी. मिनारी हाँ, आपने देखी? ऑस्कर हाँ मैंने ट्रेलर देखा. हाँ बहुत खूबसूरत मूवी है. तो A24 इज द फिल्म प्रोडक्शन कंपनी दैट प्रोड्यूस दैट फिल्म. अब उनने जो है ना उसको इस्तेमाल करके दे मेड स्टिकर्स आउट ऑफ दोज मूवीज. और उस मूवी में माउंटेन ड्यू का काफ़ी रेफरेंस होता है, तो उसी माउंटेन ड्यू की जो है ना एक स्टिकर बना लिया. और उसमें एक फार्म होता है, फार्म के बारे में एक फैमिली होती है जो कि क्या कहते हैं कैलिफोर्निया से एक सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में मूव होती है. एंड कैलिफोर्निया इज इन द सदर्न पार्ट, बट खैर एक फार्म में मूव इन होता है. ओनली यू गॉट दैट जोक. ओके द रेस्ट ऑफ अस आर लाइक एनीवे. तो क्या कहते हैं पाकिस्तान तो उस फार्म में मूव इन होता है. तो वो जो फार्म होता है ना बंदे का, उस फार्म का ट्रैक्टर पीछे बना हुआ है शर्ट के, और फिर उस जिस बंदे का शर्ट फार्म का नाम है वो इधर लिखा हुआ है. तो इट्स लाइक व्हाट यू सेड अबाउट मैनिफेस्टिंग योर आर्ट. तो आई रियली लाइक दैट. आई वाज लाइक कि अगर मैं ऐसी कोई वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो का रेफरेंस उस शर्ट में आए और फिर स्टिकर्स बना, मतलब वो आई रियली लाइक दैट वेबसाइट. जैसे अब देखो एक पर्टिकुलर वीडियो का दैट वुड बी ब्यूटीफुल, बट इफ नॉट अ वीडियो मे बी समथिंग दैट यू रिपीट, समथिंग दैट्स अ रिकरिंग थीम. मुझे पता नहीं बोल. That is something I really regret. Which is? Jack. Johnny's. Wow. Baalaaj Jack. Irfan Jack. हमने भी किया. I don't regret anything I've done because it shows growth, evolution. Yeah. If you do not look back and cringe, you didn't grow. I guess so. That is true. But I still cringe. I don't watch my पुराना वाला content. I do. Compare करना होता है ना कितना वजन गिरा. नहीं मैं एक सेकंड I thought you meant मैं देखता हूँ अपनी पुरानी वीडियोस because मुझे अच्छी लगती है, बट फिर बीच-बीच में बहुत cringe होता है. क्योंकि तुम्हारी recent कब है? तुम्हारी सबसे first वीडियो कब थी? 1st March 2020. Yeah, and my first video was in 2015. तो वो ज़्यादा बहुत pain होता है. नहीं but like फिर भी एक visible फर्क नजर आता है weight में खास तौर से. But हाँ, तो I really like watching my पुरानी videos just to you know. I think you and I are a little narcissistic. नहीं, it's I want to see जब मैं खुश होता था ज़्यादा तब कैसा लगता था. Oh wow, I'm sorry. नहीं इट्स अब भी खुश हूँ इजी, बट तब ज्यादा खुश होता था क्यों? टेबल टेनिस. ये पुराने कंटेंट की सारी बात यही है. हम कपड़ों की बात भी करते हैं. पुराने कंटेंट की सारी बात यही है कि यू वॉच इट एंड यू कांट इवन अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा था और मैं ऐसी बातें करता था और मैं इसको दुनिया के सामने शेयर करता था. तो मैं अब सीन्स कुछ ऐसे उससे तो मुझे काफ़ी टाइम से थोड़ा ना उलझन होने लगी. लेकिन आई रियली लाइक सीन्स सिग्निफाइज माई स्ट्रगल कि मैंने एक कुछ 4-5 लफ्ज़ जिनका कोई मतलब नहीं था उनको मैंने अपनी शनाख्त के साथ जोड़ लिया. अब कहीं सीन्स लिखा हो लोग समझ जाएंगे कि ये किससे एसोसिएट होता है. तो उससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, तभी मैंने उसको मर्चेंडाइज और वो क्लोथिंग का बनाया. लेकिन सीन्स कुछ ऐसे हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, विच इज़ इंटेंशनल. जब ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही कोई ज़रूरी नहीं होता मैं नहीं बोलता, और वो भी एक कॉल बैक की तरीके से होता है. सीन्स कुछ ऐसे हैं अब ज़बरदस्ती के तो जस्ट लाइक ट्रैक करें. बट आपका कोई किसका वो है SCNG है ना? हाँ. तो जैसे KSI कहना नॉलेज स्ट्रेंथ इंटेग्रिटी, आपका भी कुछ होएगा ही. ऑन स्पॉट बनाया अभी. थोड़ा प्रेशर आ रहा है. स्टाइल कनिंगनेस नहीं, कॉपीराइट्स क्यूट नियो पोस्ट कॉलोनियलिज्म गॉट यू एंड zebras. Hey. I like zebras. You like zebras? Do you have a problem with that? Do you like zebras? I think zebras are nice. Do zebras are zebras white with black stripes or black with white stripes? ऐसे सवाल होने चाहिए। बड़ा खूबसूरत। I think they're black with white stripes. Clap aati hai. I think they're black with white stripes. I disagree. Do you? I disagree, and I will not explain why. Moving on. Moving on. How dare you disagree with my opinion? My opinion is valid. हम clothing की बात कर रहे थे। तो clothing का ये है कि जैसे जैसे नए नए batches आते जा रहे हैं ना, I can see कि हम लोग, मैं और मेरी बेगम और जितने भी हमारे टीम में लोग हैं, हमारा process improve हो रहा है, हमारे स्ट्रीमलाइन हो रहा है, डिलीवरी, प्रोडक्ट, डिज़ाइन, हमें उस चीज़ की समझ आ रही है। एंड जैसे जैसे हमें शिपिंग की समझ आ रही है, डिज़ाइन की समझ आ रही है, तो वी आर चैलेंजिंग आवरसेल्व्स। अब हम थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं। पहले हमें ये था, पहले हम ये सोच के करते थे कि यार ये लोग लेंगे या नहीं लेंगे। अब हम ये सोच के करते हैं कि मैं डिज़ाइन अप्रूव करता हूँ फाइनल, तो ये होता है कि ये मैं पहनूंगा या नहीं पहनूंगा। तो जो हुडी थी, दैट वाज आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट एवर, सोल्ड आउट इन 7 मिनट्स। मैंने भी खरीदी। हाँ, तो अभी हाउ मेनी पीसेस सोल्ड आउट इन 7 मिनट्स? दे वर अराउंड 1500-2000। तो इस दफ़ा अभी विंटर्स आने वाली हैं, तो जब हुडी का सीन होगा तो हम थोड़ा और उसको क्रेजी करेंगे। वी आर थिंकिंग अबाउट डेनिम जैकेट्स, और वो फुल वैसी वाली। वो देखें, मैंने बिजनेस में जितना भी पढ़ा है CBM में, वो यही पढ़ा है कि आइदर यू कैन कम्पीट ऑन प्रीमियम प्राइसिंग और यू कैन कम्पीट ऑन प्रीमियम फीचर्स और प्राइसिंग। सो फार वी हैव ओनली कम्पीटेड ऑन प्राइसिंग। मैंने कहीं भी कोई प्रीमियम चार्ज नहीं किया कि भाई मर्च है, एक्सक्लूसिव है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जो नॉर्मल एक मिडल ऑफ द क्या होता है, रन ऑफ द मिल, नहीं ये अच्छा लफ्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं, बहुत ज़्यादा लो एंड नहीं, एक दरमियाने ब्रांड। रन ऑफ द मिल इज क्वालिफाइड, नहीं ये अच्छा लफ्ज नहीं है। फिर से एक दरमियाने से ब्रांड की जो प्राइसिंग होती है वो हमने रखी है, और एंड इट हैज बीन सक्सेसफुल। लेकिन मिड टियर ब्रांड, मिड टियर इज व्हाट आई लाइक। तो जो डेनिम जैकेट है, इट अगर हमें वो चीज़ें मिल जाती है सारी, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव रिलेटिवली, और उसमें हाथ का काम होगा, कढ़ाई और ये सारी चीज़ें। तो देखें उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है, बट एट दिस पॉइंट वी आर इन अ पोजिशन टू टेक दीज रिस्क। और जो बात से हमने बात स्टार्ट की थी, वही बात दोबारा करूँगा कि सारे ये पापड़ इसलिए बेले जा रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी आए, ब्रांड्स पे रिलायंस कम हो, क्योंकि ब्रांड्स वाली जो रोज़ी है ना, वो हवाई है, कभी आए कभी नहीं आए, कभी आए कभी। एक महीने में आप लाखों कमा रहे हैं, एक महीने में आप 10,000 रुपये कमाएं, तो ये इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। इफ़ इट्स योर ब्रेड एंड बटर, कभी नरम कभी गरम। हाँ, तो यू हैव टू यू नो प्रोडक्टिवाइज योर सेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड आई वांट टू स्टार्ट एन इंग्लिश चैनल, बिकॉज जैसे जैसे आपका इंग्लिश चैनल ग्रो करता बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका कैटलॉग बढ़ता जाता है, तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। कि उस पर अगर 1000, 2000, 3000 व्यूज़ आ रहे हैं पर वीडियो, तो वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। MKBHD की अगर एक वीडियो महीने में एक वीडियो आए, उस पर मिलियन व्यूज़ आए, तो ही बी मेकिंग अराउंड $10,000-$15,000। लेकिन उसका 10 साल का जो कैटलॉग है, वो हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को कहीं ना कहीं रेकमेंड हो रहा है। उस पर 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। वो सब एक्यूमुलेट करके ईजिली $100-$150,000 अ मंथ। अच्छा बेटा, तो फिर बना रहे हो, कब बना रहे हो, क्या कर रहे हो? बन चुका है आपने जो बन चुका है, मुझे एक सवाल, वीडियो नहीं आई, चैनल बन चुका है, चैनल बन चुके भाई। मुझे एक सवाल है, अगर आप का चैनल से CPM रेट $8 वाला होता, हाँ, तो सीन मैच करते आप? मैं करता, हाँ, क्योंकि पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ नीड नहीं करता। You do it for the art then. Out of, like just for the जैसे मेरे जहन में कभी आता ही नहीं कि यार ये कितने बिके तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। मुझे ये बस होता है कि यार मुझे शौक है, मैं जिस तरह के कपड़े पहनता हूँ, पीपल हैव नोटिस्ड इट एंड पीपल, सम ऑफ द पीपल हैव ट्राइड टू यू नो एमुलेट दैट स्टाइल एज वेल, वो स्प्रे पेंट और वो वाला स्प्लैटर। तो मुझे नज़र आता है वो, एंड आई डू वांट टू मेक इट। लेकिन मैं फिर सिर्फ वो इसलिए करता, मैं इसलिए नहीं करता कि यार अब हाउ कैन आई प्रोडक्टिवाइज इट, किस तरह मैं ब्रांड्स पे अपनी रिलायंस कम करूँ। विद द क्लोथिंग लाइन, what has been the most difficult? You said काफ़ी मेहनत लगती है, when I said that Shehzad should start it as well, what has been the most difficult thing? The most difficult thing, देखिए डिज़ाइन और ये सारा प्रोसेस अगर आपके जानने वाले हैं तो that's very easy and it's a lot of fun, yes. लेकिन एक मार्केट में एक मसला ये है कि हमारे पीसेस कितने होते होंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, इतने पीसेस पे आपको कोई लिफ्ट नहीं कराता. सही. आपकी बात सुनने कोई तब राजी होते हैं जब आपके कम से कम 1,00,000 पीसेस हो, तब आपको आपकी पसंद का कपड़ा भी बना के देंगे. अभी जो कपड़ा होता है वो हमें ख़रीदना पड़ता है, हमारी पसंद से 4000 पीस का कपड़ा कोई बना के नहीं देगा, कराची में तो नहीं देगा. तो आप कपड़ा ढूँढें कपड़ा, फिर आपको अपनी पसंद का मिले, उसको डाई करवाएं, ये सारे काम कॉन्टैक्ट्स पे होते हैं. लेकिन मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगा है, मैंने अभी तक इसमें कोई काम नहीं किया, देखने में जो लगा है वो ये है कि आपने लॉन्च किया एंड यू गॉट 1500-2000 ऑर्डर्स. ना पीपल एक्सपेक्ट कि हमें 3 दिन के अंदर ये मिल जाएंगे, बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू शिप 1000-2000 पीसेस इवन इन 2 वीक्स. तो पैकिंग और उसकी प्रिंटिंग, फिर बार कोड, फिर पैकेजिंग, फिर उनसे कोऑर्डिनेट करना, वो पिकअप करेंगे, फिर रिटर्न हो रहे हैं, आपको कॉल की थी आपने उठाया नहीं, तो मेरी बेगम है जो कर लेती है, मेरा तो इसमें कोई भी वो नहीं है. लेकिन मैंने देखा है कि इट कैन बी क्वाइट स्ट्रेसफुल. आपने भेजा था लेकिन कोई आया नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए. मेरी तो बेगम है, लेकिन अगर शहजाद ही करता है तो शहजाद को किसी न किसी को पार्टनर बनाना पड़ेगा. फिर वही बात है कि वो पैसे जब बढ़ रहे हैं तो फिर हाउ डू यू, मैं वही सस्टेनेबिलिटी वाली बात. तो ये सीन है. आई एम श्योर बहुत सारे आर्टिस्ट जो इसमें आते हैं वो भी इसीलिए आते हैं कि दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन द थिंग्स दैट दे डोंट लाइक डूइंग. सारी बात घूम फिर के यहीं आती है. आई एब्सोल्युटली लव वर्किंग विद ब्रांड्स दैट आई यूज़ इन माई डेली लाइफ. एप्पल आए, मैं शायद हाफ से हाफ कीमत में कर लूँ. एप्पल ऐसा चिंदी चोर नहीं होगा, नहीं exactly. लेकिन मैं अपनी दिल से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी एप्पल एडिडास के साथ मैं जुड़ सकूँ, सोनी के साथ मैं जुड़ सकूँ. लेकिन बात सारी ये आ जाती है कि एक ब्रांड है जिसको आपने कभी यूज़ नहीं किया, दे आर पेइंग यू मनी एंड यू आर डूइंग इट फॉर द मनी. ये बात मुझे पहले बहुत बुरी लगती थी, पब्लिकली मैं एडमिट भी नहीं करता था. लेकिन फिर इसी पॉडकास्ट पे मैंने सुना कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अगर सीक्रेट गेम्स किए तो उसने फ्री की अली भी किए. गोल्फ खेल रहे हैं वो सलमान खान के भाई के साथ, नवाज़ खान ने वो भी किए जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो सलमान खान के ऑपोजिट वो विलन था, किक. तो ये क्यों किए? उसको पता था कि कौन सी आर्ट है ये. पैसे पेट जब भरा हुआ होता है फिर ये बात. हाँ, हमारे जो अमित जी हैं उन्होंने सूर्यवंशम, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, वो क्यों की? वो कौन सा थग्स ऑफ हिंदुस्तान. खैर वो तो एक अच्छी एफर्ट थी जो फ्लॉप हो गई. लेकिन जो फिल्म, जो मूवी जो आप ट्रेलर देख के बता सकते हैं, तो वो चीज़ है. वो और कौन सी उनने की थी उनके साथ, अभिषेक बच्चन भी था उसमें, बॉबी डियोल भी था, सनी डियोल, बॉबी डियोल था, झूम बराबर. गिटार में बॉबी देओल होता है क्या? पता नहीं, बहुत पुरानी हो गई. गाना याद है मुझे, कुछ ऐसे लोग हैं जो दे हैव बीन वेरी लकी कि जिनको ये काम अभी नहीं करना पड़ा, लेकिन वो सुपरस्टार्स हैं. किनकी बात कर रहे हो? आई थिंक रणवीर सिंह को ये काम नहीं करना पड़ा, है ना? रणवीर सिंह की तो पहली मूवी इतनी जबरदस्ती नहीं, एक्चुअली रणवीर सिंह ने हाँ किया ना, उसने लेडीज वर्सेस रिकी बेल, वही मैं सोच रहा था. बैंड बाजा बारात अच्छी. हाँ, बैंड बाजा बारात अच्छी. वही वाली बात है ना. आई थिंक एट सम पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन द मनी इज गुड यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स. आई वुड फील गुंडे की थी उसने, गुंडे तो अच्छी थी, गुंडे तो बहुत फ्लॉप हुई थी, बहुत फ्लॉप थी. बांग्लादेशी लोगों को काफी ऑफेंड कर दिया था उसने. हाँ, लेकिन मूवी अच्छी थी. लेकिन what I'm saying is कि you know even in our market, Pakistani market में भी again brands and production houses gravitate towards a short thing, right? So it doesn't matter how good you are as an actor or an actress, it's about the bottom line. If you have a certain amount of clout, you have a certain following, they'll get you and they'll pay you what you want. But for the most part, यहाँ पे भी if you want to be an actor, you're going to have to do certain problematic roles, you're going to have to do maybe DVCs and TVCs that make no sense. But ab kya karoge aap, aise to kamane hai na. यार काजी भाई, अब ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात जो है वो इन्हीं लोगों से मैं कल परसों कर रहा था और मुझे अभी तक उसका ना, दैट इज़ वाई आई स्ट्रेस सो स्ट्रांगली अपॉन दिस नीड ऑफ मेकिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज चैनल, क्योंकि देखें आप कुछ काम वो उसके पेट के लिए करते हैं, कुछ काम दिल के लिए करते हैं, वो तो बात है ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी हमारी, नाम नहीं लूँगा मैं ना, आप गैस कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी हैं ऐसी, कोई भी आप एक्ट्रेस अपने जहन में लाएं जो बाहर की मुल्क ट्रैवल करती हों, बहुत ही नए नए अंग्रेज़ी गाने सुनती हों, वेस्टर्न कपड़े पहनती हों, पार्टीज़ और ये वो सब चीज़ें होती हो ठीक है पार्टीज, उसके बाद व्हेन यू सी देम, फिर आप उनका देखें द बॉडी ऑफ वर्क, वो सारे वो रोल्स हैं जो उनकी आपको लगता ही नहीं है कि ये मेल खाते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो फेक है या वो आई नो फिक्शन है, लेकिन उसको बयान करने का जो स्टाइल है, अब आप मेरी पर्सनालिटी देख रहे हैं, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कांस्टेंट जो मैं हूँ, वो आपको मैं वहाँ भी नज़र आ रहा हूँ, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, और अगर मैं कुछ फिक्शन बनाता हूँ तो उसमें भी वो झलक नज़र आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी जिस तरह की एक्ट्रेसेस की मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो अगर सारी उनकी लाइफस्टाइल वही होती, लेकिन बस वो अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो वो ड्रामे देखती भी जो ड्रामे में वो एक्ट कर रही हैं, मजबूरी है हाँ, वो ड्रामा उन्होंने आई एम श्योर वो कभी उस तरह का ना देखा होगा ना उसमें उनका इंटरेस्ट होगा, लेकिन मनी, फेम, खैर फेम तो आ ही गई है, मनी एंड कॉन्टैक्ट्स, अब इस प्रोडक्शन हाउस को हमने अगर मना कर दिया तो इनके आगे के सारे प्रोजेक्ट्स हमसे, वो फिर बात ख़राब हो जाएगी। तो आई थिंक ये पूरा जो सिस्टम है ये फ्लॉड है एक किस्म का, कि आप, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कंटेंट फॉर लाइक माइंडेड पीपल, लेकिन दीज पीपल हैव टू मेक कंटेंट फॉर पीपल दैट दे कांट मे बी कनेक्ट विद और इवन यू नो एम्पथाइज विद, तो देन वही होता है जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के साथ हुआ है। These people being the actresses who are super cool, who are super hip, trendy, following the latest fashion trends and everything. अब जैसे मैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात करता हूँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज वेरी स्टाइलिश, उसके जितने भी रोल्स हैं फिक्शन है, उस सब में उसकी झलक नजर आती है कि दीज आर द मूवीज, काइंड ऑफ मूवीज जो अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं भी होता तो देख लेता हो। लेकिन हमारे ड्रामाज, जैसे आप अनवर मकसूद को देखें, वेरी विटी, वेरी फ़नी, और जो वो सीरियस भी लिखते हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये अनवर मकसूद नहीं भी लिखते तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हिज टेस्ट, श्योर। लेकिन आप एक एक्स एक्ट्रेस को लें और फिर उन्होंने देखें कि उन्होंने इस ड्रामा में काम किया, और फिर देखें कहीं से कुछ मेल, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन बात आ गई, हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो मुझे लगती हैं सुपर कूल इस तरह की सोसाइटी में, टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन एंड टू डू व्हाट यू वांट एंड टू वेयर व्हाट यू वांट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बट देन यू हैव टू वर्क इन ड्रामास दैट आर रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर। तो ये इतना बड़ा जो ये क्या है, ये डिस्पैरिटी है या ये डिसोनेंस है, ये इसी वजह से है कि बीच में मिडलमैन बहुत है, नेटवर्क, प्रोड्यूसर, कॉन्टैक्ट, अच्छे ताल्लुकात, ये वो, अब हमने इनको नाराज़ कर दिया तो ये, और इन सब के लिए ये सोशल मीडिया तो वो है ना साइड हसल, इनका मेन काम तो ड्रामाज ही है या मूवीज ही है, तो लंबी हो गई पॉइंट, आप समझ गए। नहीं, but is there a way that I think हानिया आमिर करते हैं, हम नाम नहीं ले मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, जैसे हानिया आमिर YouTube पे शी इज बिग माशाल्लाह से, एंड आई एम नॉट सेइंग इट डिडंट टेक हर एफर्ट, बट इट टुक हर मार्जिनली लेस एफर्ट देन समवन लाइक मी और हूएवर एल्स, राइट, इवन इफ इट वाज अ गर्ल इन माय पोजीशन। मोमिना मुनीर, मोमिना मुनीर, हां, एग्जैक्टली राइट। तो हानिया आमिर, you think in the future we'll see more of these actors or actresses ki baat abhi zyada ho rahi hai because it's a patriarchal society, you'll see more of them transition towards Instagram, YouTube, financial liberation in whatever way possible, jaise Mayra Khan, you know, brilliant in whatever she's done, her body of work, people are like she's a performer not an actress, who's to say, right? Mashin is a, it's just amazing, right? And she transitioned, started her own podcast. Makes sense? मुझे नहीं पता किया है. हाँ, दो तीन एपिसोड तो किए थे जहाँ तक मैंने देखे थे. But you know, makes sense, right? You think we'll see more of that? Because after a while, you need to realize that getting on social media, पहले जैसे आपने शुरू किया था, even to some degree जैसे मैंने शुरू किया था, शायद ने शुरू किया था, we learned all this stuff ourselves, right? It that there's no long, that's not a necessity anymore. You can hire someone. यार मैं जो बात बोलूँगा वो शायद तल्ख लगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप लगे, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है फ़िलहाल जो मेरे सराउंडिंग मैंने देखा है. और मुझे लगता है, अब माइट साउंड स्टूपिड, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हमारी एक्ट्रेस जिस तरह की, कराची बहुत एक फास्ट पेस्ड शहर है जहाँ पे आप अगर थोड़े से भी डम हैं तो आपको लोग खा जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फ़ौरन ही आपको यू हैव टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड नेटवर्किंग और कैसे चलना है, क्या करना है. ठीक है, ऐसे मार्केट में रह के और काम करके और अपना नाम बना के, जहाँ पे हर गली में 20 लड़कियाँ जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, सही, उसके बीच में आके अपना नाम बना के, मुझे नहीं लगता आप इस तरह की स्टूपिड बातें करेंगी जिसकी आपको पता है कि हेट मिलेगी. सही. आई थिंक अगर देखें, आपको अगर टॉप ऑफ माइंड रहना है, टॉप ऑफ माइंड इज़ अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो अगर आपको टॉप ऑफ माइंड रहना है, अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं अपनी खूबसूरत सी एक तस्वीर लगाऊंगा, पीपल आर यूज्ड टू इट, लगाऊंगी पीपल आर यूज्ड टू इट. मैं कोई इंस्टाग्राम स्टोरी बना दूँ कोई अच्छे कॉज के लिए, पीपल हैव सीन इट, इट माइट नॉट यू नो जनरेट दैट मच ऑफ अ बज़, बट इफ़ आई डू समथिंग स्टूपिड, if I call out some minister or if I say something that I know goes against my actions, it's very hypocritical, then I might get a lot of buzz and magazines start writing about me, people start tweeting about me, और फिर शायद ये सारे producers, writers और marketing managers, brand managers को याद आया कि यार ये भी तो थी, ये इतने, मैंने खुद meetings में ये सुना है. मैंने एक लड़की का नाम लिया कि आप उसके साथ ऐड बनाए, नहीं नहीं यार वो आजकल सब ऐड में आ रही है, KFC में भी वो आई, इसमें भी वो आई, गुल अहमद में भी वो आई, इसको नहीं लेंगे. कोई ऐसी लड़की लेते हैं हम जिसके बहुत टाइम से उसके ऐड नहीं आ रहे कोई, ताकि वो लगे कि ये एक्सक्लूसिव हमारे ब्रांड की है. तो जब आप बहुत टाइम से आपको कोई काम नहीं मिल रहा, लोग आपको भूलते जा रहे हैं, आप थोड़े से इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, ठग करके कोई वो करो और आप आ जाओगे. इट्स ऑल कैलकुलेटेड, मे बी, आई डोंट नो, क्योंकि अब मैं जब इस पोजीशन में होता हूँ तो मैं अपने आप को इस तरह डिफेंड करता हूँ कि भाई लोग बोलते हैं बात करो, तो मैंने कर दी. लेकिन कभी कभार एक्टर्स इस तरह की हरकतें करते हैं जिनका उनसे किसी ने पूछा भी नहीं होता, खुद अपनी तरफ से, फॉर रेलेवेंस, या अनफॉर्चुनेटली. अब मुझे अगर रेलेवेंट होना है तो मैं मेहनत करूँ, एक बैंगर वीडियो फेंकूँ, और मैं, क्योंकि आई एम इन कंट्रोल ऑफ व्हाट आई मेक, राइट, मैं एक मेहनत करूँ, एक हफ्ता लगाऊँ खुआरी करके, मेहनत दिन रात एक करके, अच्छी एडिट करके वीडियो फेंकूँ, एंड आई एम फॉर द टाइम बीइंग रेलेवेंट अगेन, जब तक मैं दिल से काम कर रहा हूँ. एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस डू नॉट हैव दैट चॉइस, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाई मे बी दे आर मूविंग टुवर्ड्स सोशल मीडिया, बिकॉज दे वांट दैट चॉइस, दैट एजेंसी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, या, एंड इट्स ईजी मनी फॉर देम, इट इज, बिकॉज दे हैव सच क्लाउट. जैसे मैंने हानिया का चैनल देखा है, मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर स्पॉन्सर्ड. एकरा अजीज़ का देखा है, नन ऑफ द वीडियोज़ एज फार एज आई कैन रिमेंबर, मे बी एक दो हों, नन ऑफ द वीडियोज़ आर स्पॉन्सर्ड, तो मे बी उनका अलग एक वो हो अपना. मोमिना मुस्तहसन स्टार्टेड अ व्लॉग बहुत साल पहले, वो ख़त्म हो गया, नन ऑफ हर व्लॉग्स वर स्पॉन्सर्ड. और उसका कौन है वो मिनाल, एक बहन, कौन है यार उसका नाम भूल गया मैं, मॉडल है, एमन मिनाल में से किसी एक है जिसकी शादी हुई भी है, उसका हस्बैंड है, नाम भूल गया यार, बड़ा अच्छा सा नाम है, उनकी एक बेटी भी है, वो अभी बहरिया के जू गए थे, उसने ब्लॉग बनाया था, मैं बता दूंगा नाम, ठीक है. तो उसने, मुझे नहीं लगता उस लड़के ने कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो की है, तो मे बी इट्स फन फॉर देम, या, लेकिन जो ये स्टूपिड स्टेटमेंट्स आती हैं, आई डोंट थिंक एक बंदा इतनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में रह के इतनी स्टूपिड बात करेगा. मैं उनके जूते भी उठाती हूँ, मैं उनके, मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है, कपड़े इस्त्री करती हूँ, किए नहीं है लेकिन कर दूंगी. नो, इन ऑल सीरियसनेस, व्हेन दैट, अगेन वी वोंट टेक द नेम, राइट, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हम, लेकिन हाँ कल्चर है जी। तो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर 6 महीने बाद 7 महीने बाद मैं किसी इवेंट पे होता हूँ, वैसे तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, और इनमें से भी कोई वहाँ पे इवेंट में होता है तो फिर इट लुक्स अ लिटिल हिपोक्रिटिकल। नहीं हमें, आई एग्री राइट, आई एग्री, यू आर राइट, वी कंकर, बट अगेन वो वाली बात है ना, लाइक यू सेड एंड दैट्स ऑलवेज बीन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइक यू सेड यू कैंट मेक इट इन दिस इंडस्ट्री इफ यू आर नॉट sharp. You don't have to be intelligent, you don't have to have PhDs, but you're sharp, right? So if you're doing it, I think it's nonsensical for any of us to assume that you just felt like doing it out of the blue. I'll just quote a small example of what being sharp means. Mera jab the second paid project of my life from YouTube, ek din pehle brand ne mujhe bola ki hum to paise dete hi nahi. We don't offer money. Phone चाहिए तो ले लो या कुछ और पर्क चाहिए तो ले लो. We don't offer money. The second day when I said I don't think I can work, they offered me 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए for the whole year. तो आप फौरन सीख जाते हैं कि यहाँ क्या क्या हरामीपन होते हैं. तो you can't really survive if you're not sharp. People will exploit you. Yeah, they'll rip you apart. Yeah. And we were having this conversation with Momina, where because she was so young when she started, right? And sorry to cut you off, abhi baat nikal jayegi. Every single content creator in Pakistan has a similar story. उनके पास एजेंसी आई, एजेंसी ने बोला ये ब्रीफ है, ये ब्रांड है, कितने पैसे लेंगे. क्रिएटर ने बोला 5 लाख. एजेंसी ने ब्रांड को बोला वो क्रिएटर 17 लाख रुपए मांग रहा है. उन्होंने बोला सही है, डन, बाकी पैसे अपनी जेब में. ये नॉर्मल है. देखो ये बहुत नॉर्मल सी बात है एंड वही वाली बात है ना, ये कोई छुपी हुई बात भी नहीं है. बट अगेन द थिंग इज द क्रिएटर और द इन्फ्लुएंसर इज सो, दे रिक्वायर इट सो मच कि एंड देयर सो प्रेस्ड फॉर चॉइसेस, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस कि देयर आल्सो लाइक हाँ भाई लो, हमें तो ये दो ना, हमें जो हमारे पैसे हैं वो तो. इट्स दैट्स जस्ट व्हाट इट इज डूड एंड दैट्स व्हाई you know, crowdfunding, when Zain Peerzada spoke about his Patreon, seemed like such a way out for, you know, a lot of people. It was such a beautiful thing. And then with his disappointing experience, it really does break the heart ki yaar, this was that one way where we could have, by we I mean obviously creators on YouTube or what have you, could have had some kind of agency. Again, repeatedly, some brands are wonderful to work with, right? But there is no reason for them to be nice to you, because agar aap nahi to 10 aur sahi. That's the problem, na? Everyone's willing to do it for them. Yeah. But if you can offer what nobody else in the market can, either in terms of reach or quality, then I think you can charge and you can dictate your terms. And then they'll have that conversation with you. But for the most part, nahi hai. For 90% of the people, उनको मानना ही पड़ेगा. अब आई डोंट नो, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन काजी भाई के पास जब कोई स्पॉन्सर आएगा और बोलेगा कि इधर हमारा बैनर लगा दें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. काजी भाई बोलेंगे आप कितने पैसे देंगे, बोलेंगे हम देंगे 50,000, नहीं हम बोलेंगे 2 लाख, नहीं 3 लाख, अच्छा 4 लाख, हाँ डन, 4 लाख में कर लगा लो, पूरा प्रिंट कर दो. तो इट डज बिकम हार्ड एंड प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूबर्स की भी गलती है कि हमने दिखाया ऐसा है कि हमारा बहुत लैविश लाइफस्टाइल है, लेकिन लोगों को लगता है कि यूट्यूब से करोड़ों रुपए आ रहे हैं. मैंने जब वो वीडियो बनाई, अभी कल परसों फेसबुक पे भी आई है, री अपलोड हुई है, कि मैंने 5 लाख व्यूज़ से $150 बनाया, स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर. तो नीचे लोगों को यकीन नहीं, मैं कॉमेंट्स पढ़ रहा था, नीचे लोगों को यकीन नहीं आ रहा. और नीचे एक कॉमेंट था कि यार पैसे कम है लेकिन इज्जत का काम है, तो करो इज्जत का काम. और मैं देखता हूँ कि कितने दिन तक इज्जत का काम तुम चला सकते हो, इफ़ दिस इज़ योर कंप्लीट ब्रेड एंड बटर. अगर तुम 5 लाख व्यूज़ पे $150 कमा रहे हो, जो 25,000 रुपये, तो मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन करके तुम $2,500 कमाओगे. और वो 10 मिलियन अगर तुम्हारे नहीं आ रहे तो तुम्हारे ओवरहेड्स भी पूरे नहीं हो रहे, तुम्हारी टीम है, कैमराज हैं, क्रू है, शूटिंग परमिशंस हैं, प्रॉप्स हैं, तो देख लेते हैं भाई आप कितनी देर तक। और मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को बेच दो, जो करवा रहे हैं कर लो, कोई अपनी इंटेग्रिटी नहीं रखो, लेकिन समटाइम्स यू डू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ थिंकिंग कि यार अगर ये मेरे बिल्कुल पसंद का नहीं है ना तो इतना बुरा भी नहीं, चल जाएगा एवरेज। आई थिंक दैट्स अ गुड एटीट्यूड टू टेक टू लाइफ जनरली। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, वही जो बात है ना, वी आर सो टेकन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ just unconditional things, things that we will not compromise. There's only a few principles that you should hold close to you that you won't compromise on. Generally थोड़ा flexible होने में कोई मतलब मसला नहीं है। मसला flexible होने में तब होता है जब अपनी आप, मोमिना से मेरी बात हो रही थी, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ इसके साथ लगा देते हैं, जोड़ देते हैं कि मैं, मेरी एज ए इंसान उतनी वैल्यू है जितनी अच्छी मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है जब आपको घटिया वीडियो बनानी पड़ती है, जब आपको ऐसी वीडियो बनानी पड़ती है जो आप शायद खुद ना देखें, तब योर मेंटल हेल्थ डज स्टार्ट टू सफ़र, बिकॉज यू नो यू हैव टू मेक दिस शिटी कंटेंट जस्ट सो यू कैन यू नो डू दिस दैट यू लव डूइंग, बट देन यू स्टार्ट हेटिंग इट, देन यू जस्ट गेट कन्फ्यूज, डू आई लव इट, डू आई हेट इट, व्हाई एम आई डूइंग इट। या, I think hate is a strong word. Hate is a very strong word. Dislike. I feel like you need to reconsider your selection of words. I feel think like your hate is becoming part of your personality. I feel, I know you're a content creator. You guys are content creators, but it's affecting your personality now. I'm not a content creator. You're a content creator. I'm a conversationalist. And a content creator. Fuck. Yeah. That's what happens when you call us filmmakers. Oh. मैं बस ये imagine कर रहा हूँ ये जो भी edit करेगा मेरे frame में काजी भाई का पैर पूरा That's how you've been thinking about me. We've been talking about such important things. यार ये पैर को लात मार दूँ क्या क्या समझ नहीं आ रहा। बीच में environment जाइए। Should I just say it? Should I just kick? Just kick it. Get the kick out of my face. Get the leg out of my leg. Foot out of my face. Oh God. Yeah. तो बड़ी हमने pessimistic बातें कर ली. अब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं. Positive image, positive vibes. और क्या कौन करेगा पॉजिटिव बातें? कौन बचाएगा? पाकिस्तान में करता हूँ क्या? पॉजिटिव बातें ये करेंगे हम कि यार यूट्यूब ने मेरी पूरी जिंदगी तब्दील कर दिया. I never imagined my life would turn out like this. और you win some, you lose some, but at the end I'm happy where I am and the audience that I've gathered, and I'm sure के आगे भी मुझे इस चीज़ को देख के बहुत उम्मीद आती है कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जो हमें पॉलिटिकली ये बताया जाता है नफ़रत है और हमें उनके ख़िलाफ़ भड़काया जाता है मीडिया में, प्रोपेगेंडा में, उनको हमारे ख़िलाफ़ जिस तरह की मूवीज़ बनती हैं ये सब, उसके बाद भी वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मर्चेंडाइज या वीडियो कब आएगी, या पेट्रियन पे मेरे बहुत सारे इंडियंस भी हैं, तो गोज़ टू शो के भाई आर्ट ट्रूली इज़ यूनिवर्सल और मोहब्बतें फैला सकती है। मैंने कभी अपने कंटेंट में कोई ज़्यादा इस तरह की बात भी नहीं की कि मैं इंडियन ऑडियंस को अपीज़ करूं, सचिन की तारीफ़ें कर रहा हूं या सहवाग की तारीफ़ें कर रहा हूँ। दे जस्ट कनेक्टेड विद मी एज अ पर्सन लिविंग हिज लाइफ। तो आई थिंक मुझे इस चीज़ से बड़ी उम्मीद मिलती है कि मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँ तो काफ़ी मेरे पास और मुल्कों की भी ऑडियंस शायद आ जाए। That's a beautiful sentiment. I think I was having a conversation with a hip hop dancer and मैंने उनसे यही बोला कि यार ये हिप हॉप डांसर पॉडकास्ट के बाद बताऊँगा, अभी तक अभी आई नहीं है। अच्छा, तो मैं उनसे यही बोल रहा था कि देखो यार द ग्रेट सक्सेस ऑफ द यंगस्टर्स इज़ प्रूफ that if you were to make your content, वो English में करता है primarily, and he tries to inculcate the spirit of hip hop as it is present or as it exists in North America, because that's where it's from, hip hop, rap and all those things. So I was like, कि देखो the prolific success of the youngsters, you have to admit कि अगर आप सिर्फ उर्दू में कर दो, थोड़ा सा उसको अगर you know देसी कर दो, तो and your obviously as good as they are you could be successful. If you're half as good as they are maybe you'll be half as successful, and that's still pretty good too. Half as successful as the young stars is still pretty good. So उन्होंने आगे से फरमाया कि यार देखो बात सुनो, मैं करता हूँ डांस, फ़र्क नहीं पड़ता है रद्दी बराबर भी कि मैं कौन सी ज़बान बोल रहा हूँ. My art will communicate. Art is beyond borders. Art is beyond borders, but जो भूख होती है ना यार फिर या तो मैं बस कभी कभार ये सोचता हूँ एज एन एक्सरसाइज, थॉट एक्सरसाइज मैं चेक कर रहा था थॉट एक्सरसाइज मैं चेक करता हूँ कि यार अगर लोग हमेशा बुरा मानते हैं व्हेन इट्स अ स्पॉन्सर्ड वीडियो इन पाकिस्तान, सही है, इवन इफ इट्स अ स्पॉन्सर्ड सेगमेंट, तो फिर अगर क्रिएटर्स, पाकिस्तानी क्रिएटर्स वीडियो बनाना बंद कर दें, थॉट एक्सरसाइज है हाइपोथेटिकली, बंद कर दें, फिर उनके पास बाकी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन, जो भी सारे, पीटर मैकिनन, MK PhD, फिर मुझे नहीं लगता मैंने कभी कोई कमेंट MK PhD के वीडियो के नीचे देखा है हो कि यार स्किल शेयर का ऐड बुरा लग रहा है यार। आई डोंट नो व्हाट्स विद द एंटाइटलमेंट, व्हाट्स, मैंने कभी किसी, कोई हिंदू नाम का बंदा, मुझे अब जज यही करना पड़ेगा, आई एम श्योर बहुत सारे मुसलमान वहाँ रहते हैं, बहुत सारे हिंदू यहाँ भी रहते हैं, लेकिन मैंने कोई भी हिंदू नाम का बंदा अपने चैनल के नीचे कमेंट ये नहीं देखा कि यार ये बिक गया, बेच दिया यार इरफान भाई आपने, आप चेक कर ले, मुझे बताइएगा, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन पॉजिटिव बातें करनी थी भाई। पॉजिटिव बात इसमें यह है कि इसमें पॉजिटिव बात यह है कि आप कंटेंट बनाएं, और अगर आपको लगता है कि यू हैव टू डू स्पॉन्सर्ड वीडियोस देन डू स्पॉन्सर्ड वीडियोस, कोई मसला नहीं है उसमें। थोड़ी सी आप अपने लिए रूल डिफाइन कर लें, थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं की जो आई नो के ख़राब हो, एक्सेप्ट वंस, और वो मुझे करने के बाद इतना दुख हुआ, इतना गिल्ट हुआ कि मैंने वो हाइड कर दी, वो किसी को नहीं पता वो कौन सी वीडियो है, वो वीडियो अब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। मुझे पैसे मिले, मैंने काम किया, और वो फिर उसके बाद मैंने वीडियो हाइड कर दी, और फिर उसके बाद जितना भी मैंने काम किया है, मैंने शायद ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट किए हों जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ नहीं करता, बट आई नो दे आर नॉट बैड प्रोडक्ट्स। मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, ये सबसे महंगा फ़ोन है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर मुझे कोई बजट फ़ोन वो करना है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन स्टिल नॉट बैड प्रोडक्ट, बजट फ़ोन के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी में फिट तो है। ऑफ कोर्स आई यूज़ A7C। अगर मुझे सोनी वाले बोलते हैं कि आपने A6ZV-1 प्रमोट करना है, आई नो सोनी प्रोडक्ट्स, आई नो इट्स नॉट अ बैड कैमरा, इट्स जस्ट दैट आई डोंट यूज़ इट। So am I wrong in promoting it? I think you're not wrong. I think the problem with the illiteracy of brands in Pakistan is that they're not comfortable with you saying that. They're not comfortable with you saying, yeah, bhai, dekho, I'm doing this because they're paying me, and this is what I like about the product, this is what I hate about the product. International influencers, Gerald Dundon, Peter McKinnon. Gerald Dundon to bhai video start hone se pehle. हाँ भाई ये हुआ है, यानी उन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन उनको वीडियो में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इतनी ब्रांड लिटरेसी कभी आएगी कि ब्रांड बोले कि वी आर पेइंग यू फॉर द प्रोडक्शन, वी हैव फेथ इन यू, वी हैव फेथ इन आवर ब्रांड। कोई मर के पाकिस्तान में ये नहीं बोल सकता वी हैव फेथ इन आवर प्रोडक्ट, ये लो हमारा फ़ोन, ये लो प्रोडक्शन के पैसे, जो बोलना है बोलो, वी हैव फेथ इन आवर, वी रियली डोंट केयर, एंड पैसे भी नहीं चाहिए, ये लो हमारा प्रोडक्ट और जाओ बनाओ वीडियो। और अगर तुम ख़राब रिव्यू दोगे तो हम ये तुम्हारे रिव्यू से सीख के अगली दफ़ा अगला जो वर्जन होगा इसको इम्प्रूव करेंगे। MK PhD से जब भी ये सवाल हुआ, MK PhD ने बोला है कि अगर मैं किसी फ़ोन का ख़राब रिव्यू करूं सैमसंग का, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि सैमसंग फ़ोन्स मेरे चैनल से गायब हो गए, तो दैट रियली सेंड्स अ वेरी बैड मैसेज कि मार्केज़ ने एक ख़राब रिव्यू किया और सैमसंग ने इसको फ़ोन भेजने बंद कर दिया बिकॉज दे डोंट हैव फेथ इन देयर प्रोडक्ट्स। तो यू नो पाकिस्तान में किसी ब्रांड के अंदर इतनी थप्पड़ नहीं है, थप्पड़ ज़्यादा, दैट्स कॉल्ड समथिंग, मुझे वर्ड नहीं आया, सम काइंड ऑफ सेंसरशिप ना। मैं ये बता दूं कि पैसे नहीं दें, ये लीजिए फ़ोन आप यूज़ करें, अगर टेक यूट्यूबर्स को 1 हफ्ता यूज़ करें, रिव्यू बनाएं और डालें। मुझे, अगर मुझे कोई ऐसा ब्रांड करता है तो मुझे थोड़ी ही एक्सक्लूसिविटी चाहिए होगी कि भाई फिर मुझे पूरी दुनिया से पहले फ़ोन चाहिए, आप मुझे दें वो टेस्ट डिवाइस जो होती है, और जब आपका वो एम्बार्गो ख़त्म होगा आई विल पब्लिश इट, आई विल मेक वीडियोस विच विल कॉस्ट यू $0, लेकिन थप्पड़ नहीं है किसी में भाई। देल स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़, जो हम कह रहे हैं वो बोल दो, फिर कौन देखेगा स्पॉन्सर्ड वीडियोस। मैंने स्पॉन्सर्ड रिव्यूज़ किए हैं फ़ोन्स के और 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए, मैं नहीं करता हूँ। This guy has a difficult time staying positive. इसमें पॉजिटिव बात यह है कि इफ़ यू स्टैंड योर ग्राउंड यू कैन स्टिल मेक अ लिविंग। That's a little gritty. मैंने जो अभी तक पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया है अपने सपोजिटली यूट्यूब जर्नी में वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ग्रेजुअली मेरी ऑडियंस मेरे साथ ग्रो कर रही है अलहमदुलिल्लाह। एंड दैट्स वन बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग व्हेन आई वाज 14, 15। तो जैसे ही मैं 15 था वैसे मेरी ऑडियंस भी मेरी ही रिलेटिव एज की थी और फिर मेरे साथ ही मैं मैं ग्रो होता गया, मेरा कंटेंट ग्रो होता गया, मेरी स्लोली ऑडियंस भी ग्रो होती गई। अब वो एक एक्सपेक्टेशन, वो एक नेगेटिव साइड है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ व्लॉग्स कमिंग अगेन वो रहेगी नेचुरली क्योंकि मेरे चैनल पे मेजॉरिटी चीज़ें व्लॉग्स ही हैं। और बहुत I have not grown consistently with uploads, but with the creativity of my art, I have grown immensely. Alhamdulillah. और वो reflect करने में towards my audience थोड़ा time लगेगा, लेकिन alhamdulillah मेरी Instagram की तो खैर मैं Instagram पे तकरीबन कोई 5-6 दफ़ा 20,000 followers हिट कर चुका हूँ। मतलब मेरे 19,000 हुए फिर 20,000 हुए फिर ड्रॉप आया फिर 19,000 फिर 20,000 हुए फिर ड्रॉप आया फिर 19,000 तो दोबारा 20,000 ये चलता रहा है। तो मैंने बहुत दफ़ा 20,000 ऐड किए इंस्टाग्राम के ऊपर नीचे होते रहते। यूट्यूब के मैंने एक चीज़ देखी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से गिरा नहीं, अल्लाह का करम है, ग्रो होता गया। व्हाट यू नो नाउ दो राइट माशाल्लाह से 20 years old whatever you've seen, whatever you've learned and you know it's been chronic your difficulty with mental health and all has been chronicled proper on in your own videos and we've spoken about it at length with what you know now would you recommend that people start their YouTube stuff, publishing videos on YouTube or content creation journey at 15, 14 because it's perfect if you just want to learn because you're so malleable at that age ki you learn things way faster. It's really hard not to let it consume you. Yes. Kyunki mere liye if I had the option of going back and starting at 15 or not starting at 15 I think I would have still started at 15. I wouldn't have changed a lot except क्या कहते हैं letting it consume me so much. मेरे साथ तो दोस्त नहीं थे जिस एज में मैंने शुरू किया था तो the only friend was my camera. तो इसीलिए I don't think I would change anything a lot when I started. But for anyone else, I don't know. It's very subjective. It's very depending on the situation. लेकिन जिस डे एंड एज में हम आज हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया चल रही है it's really hard not to let your channel consume you. Because then you develop this numbness to hate, which is good. But I don't. तुम्हारे टाइम में YouTube कैसा था कि वो नहीं होते थे ना? Exactly. Comments if you upload a video with a kid and it comments off होते हैं you get the kid can't see any hate or anything. Yeah. मेरे अभी तक first video के comments off हैं. वो अब जाके हो गए हैं. पहले नहीं होते. Yeah. तो मुझे एक सेकंड मैं कुछ बोलना है. बोलो. पैसे. Shit तो हाँ. I think अब उसके YouTube laws जो हैं वो हो गए हैं. That's a good thing. इस बात पे you'd want my opinion I'd say it's a good thing the earlier you get into it the more time you have to practice and get better at it sure yeah I would suggest live in the moment as much as you can because this time will not come back bro but that's what I'm saying na ki I wanted to and so I did alhamdulillah start learning video editing when I was 26 right you Irfan bhai started maybe when you were 24, 25 a little younger right it's difficult at that age you probably started when you were what 16 12 right so if someone it's just easier for you to do it than me right I'm not saying I'll never be better than you or as good as you main ye nahi bol raha hu But what I am saying, is that if someone were to start at that young age, they have that skill, then they can start picking up storytelling later, right? Then they can start learning what to do with the skill, right? But at what cost is what I'm saying, right? And so you would think that सही है start कर देना चाहिए. I पता नहीं क्योंकि मेरे लिए वो था बड़ा consuming था. It was consuming for you, but हर किसी का experiences different नहीं होते. Majority of the time people love it. They make the most out of it, or they don't let it consume them. But in कुछ cases there's a वो. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी उनको लगता है कि हम बस अब काम करने लगे. तो वो मुझे बात जो है ना मैं नहीं चाह रहा कि 15-year-olds should feel like they need to start working so early in their life. Sure. And by working, it also means pleasing the audience. Exactly. Sure. And do let me know what you want me to make in the next video, and I'll do it. People's validation, numbers, obsession with numbers, but obsession with growth, and क्या कहते हैं this fame, views. ये सारी जो है ना looking at someone like you कि यार इसका भी तो हो गया था मेरा भी हो जाए. हाँ मतलब it's a good source of inspiration maybe. I'm not saying that I'm a good source of inspiration, but like क्या कहते हैं generally मुझे लगता है कि in this day and age it's kind of toxic, and I don't see that if anyone would start at that age now they would not like मतलब क्योंकि you're 15 तो you naturally can't control the toxicity that is going inside your head. क्योंकि आजकल मैं जिन 15-year-olds को देखता हूँ I had that level of maturity that they have right now. Maturity या कहने self awareness जो उनको 15 में थी वो मुझे 17 थी. Goddamn, okay. So it's kind of getting like के अब 13-year-olds भी वैसे सोचने लगे. तो हाँ, and that is solely because of social media. And is that necessarily a bad thing? It's the amount of क्या जाए bullshit. Yeah, that's increasing. At least toxicity and I'm seeing a lot of depression and people talking about anxiety and depression and suicidal stuff while they're 13 and 15, and I think that has something to do with social media. तुम्हें क्या लगता है? मतलब तुम्हारी बात ठीक है, but कोई भी किसी भी field में आप ले लें तो earlier you एक होता है if you enter in a field of any you know genre या कुछ भी एक टाइम ऐसा आता है कि you exploit it and then उसके negative effects आप पे होते हैं, positive effects आप पे होते हैं, वो आने होते ही हैं. So I feel like I don't know, this isn't good advice. I feel like थोड़े टाइम बाद ये change हो जाएगी. I think the earlier you get into it, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं that have exploited situations earlier on. तो उन्हें पहले ही पता होता है कि हमने कितना aware रहना. And then again you said के awareness के people are getting more aware आजकल. तो I think that's not a bad thing. If anything when we're older that will help us think of better things. Like compared to a 30-year-old. इस जनरेशन का when we're 30 क्या पता we're thinking more maturely than a 30-year-old of today. That means we can make better decisions that which will lead to you know solutions like coexistence etc. So I suppose start it at that young age, but also have a good group of people around you. Establish certain conventions कि भाई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, so on so forth, stuff like this. और मैं मेरा मकसद ये था कि I agree with what you said. But you talked about a field. मैं specifically YouTube की बात कर रहा हूँ. Specifically. क्योंकि field कुछ भी हो सकती है. You can start sports while you're at a young age, and that's amazing. I did. That's amazing. I know you know that. I know Irfan bhai knows that. मैं बोलूँगी. नहीं बोलो मर्जी आप. लेकिन क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि YouTube in specific एक ऐसी चीज़ है जो कि YouTube को भी छोड़ दो आप. YouTube तो बहुत अच्छी चीज़ है. Because YouTube is not social media. लेकिन Instagram particularly. मुझे लगता है कि यही बोलने वाला था मैं. हाँ, Instagram in particularly मुझे लगता है कि बहुत toxic है. Instagram जो है ना वो YouTube पे कुछ भी अपलोड करने के लिए you have to put in effort. थोड़ा ना story structure ये वो. Even though Instagram IGTV ये सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन still Instagram is that app जहाँ पे you can get nice pictures taken of yours and post them and you know, अब मैं देखता हूँ यार, अब मैं बड़ी बूमर वाली बात करने वाला हूँ कि मैं जब 16-17 का था और अगर कोई पिक्चर होती थी तो करना है क्या करना है, लेकिन आजकल के लौंडे ये लिप्स बाहर निकले हुए और फुल स्टाइल, आप हमें नहीं पता बिकॉज दे हैव ग्रोन अप विद इट, दे आर कम्फर्टेबल विद इट। फनी यू मेंशन दैट, मैं क्योंकि टर्की में पढ़ता हूँ, मैं उधर आई सॉ 5-year-olds इस तरह रैंडमली उनकी अम्मी उनके साथ चल रही होती हैं एंड देयर लाइक उनके इंस्टाग्राम हैंडल जो भी होते हैं देयर लाइक आप उन्हें आई सॉ दिस वन मदर एंड वो बच्ची वाज लाइक उसने टर्किश में अपनी अम्मी को कहा कि मेरी पिक्चर खींचें। उस अम्मी ने कोई एक साथ 20 लाइक टक 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 करके तस्वीरें ली जिससे उसने मोमिना कही थी और उसने एक ही साथ करके टाक्सिम स्क्वायर पे पोजेस किए, डन एंड दैट वाज इट। तो मतलब आई थिंक पाकिस्तान से बाहर जाए तो शायद वो एज और भी कम हो जाए। yeah. मुझे पर्सनली थोड़ा आई डोंट नो, आई हैवंट थॉट अ लॉट अबाउट दिस बट आई स्टिल फील लाइक देयर शुड बी एन एज लिमिटेशन ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन वो लिमिट कैसे है? 13 years है, यू कैन स्टिल आई फील लाइक 13 years इज टू, आई डोंट 13 खैर फिर भी ठीक है। मैं यार अगर मुझे चांस दिया जाए तो आई स्टार्टेड YouTube एट 27, आई वुड हैव लाइक टू स्टार्ट एट 17। आई थिंक अगर 17 में स्टार्ट किया होता ना तो मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते टू एक्सप्लोर, फिल्म मेकिंग या पूरा करियर है, जाके डिग्री करनी है उसमें डिग्री कर लो। मैंने तो सब कुछ मुका के फिर बात शुरू की। आई हैव दैट सेम फीलिंग या बट इफ आई कुड रिकंडीशन माई सेल्फ, प्रोग्राम माई सेल्फ, आई वुड फोर्स माई सेल्फ to never read a single comment. I know वो थोड़ा सा utopian लगता है, कैसा ही मैंने नया लफ्ज़, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने ज़िंदगी में कोई कमेंट नहीं पढ़ा होता ना और सिर्फ वही सिर्फ ईमेल्स पढ़े होते हैं जो लोग एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके ईमेल करते हैं या जो मेरे आसपास के लोग हैं वो बताते हैं, तो आई थिंक आई वुड हैव बीन अ मच बेटर क्रिएटर, आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर हेड स्पेस। और मैं अपने आप को इतना डाउट नहीं करता बिकॉज मेरे लिए वो चीज़ एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में कभी बनती नहीं। और ये मुझे 4 साल बाद समझ में आया है, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, इन दोनों को भी बताना चाहता हूँ कि इफ़ गुड कॉमेंट्स फील गुड टू यू देन बैड कॉमेंट्स विल फील टेरेबल टू यू। लेकिन अगर आपने अपने आप को कंडीशन कर लिया ना, गुड कॉमेंट अच्छे सही ओके कोई मसला नहीं, मुझे पता है मेरा काम कैसा है, तो फिर लेब्रॉन जेम्स हजरत का एक कॉल है कि don't get too high on the highs and don't get too low on the lows. ये LeBron James। But एक मेटा इंक्वायरी अगर करें इसकी चीज़ के बारे में, आपका when was the first time you got a hate comment that really bothered you? At what level of followers? यार I got hate comment नहीं था वो, आपको पहली दफ़ा जब कोई stranger जिसको आप जानते नहीं है पहचानते नहीं, जब वो आपको तनकीद करता है ना तो आपको बुरा लगता है। दिल से की मुझे किसी ने बोला था कि मैंने बोला था कि मुझे पूरे पाकिस्तान में अडोब बोलते हैं, तो आई सेड अडोब प्रीमियर ये वो, तो मुझे नीचे किसी ने करेक्ट किया कि तुम्हें तो पता ही नहीं है, इतने बड़े एडिटर बन रहे हो, इट्स अडोबी। तो वो मुझे पहली दफ़ा थोड़ा लगा। 1000 से भी कम होंगे इस तरह के, मतलब गालियाँ वालियाँ, तो मैं गालियाँ आपको इतनी बुरी नहीं लगती। When somebody actually watches your videos and then you know, ये तो खैर बुरा नहीं था, लेकिन जब कोई calculated चीज़ के बारे में शॉट मारता है ना तो वो आपको बहुत like someone took the time out to break you down। मैं I would like to point this out कि maybe the threshold of the audience for this kind of nonsense is also growing, क्योंकि now there's people that have 10,000 odd followers and they still don't get that kind of hate, get that kind of comments, so शायद audience भी बेहतर हो रही है, थोड़ा सीख रही है। यार nobody gets that kind of hate, rarely do people get that kind of hate। मुझे भी ज़िंदगी में आई एम श्योर इन दोनों के साथ भी यही होगा, 95% पॉजिटिव कॉमेंट्स आए होंगे, लेकिन बस साइकी ऐसी है कि जो वो 5% है ना वो इतने दिल पे लगते हैं कि आपकी पूरी आप अपने आप को डाउट करने लगते हैं। और ज़्यादा नुकसान तब होता है when you're used to reading good comments, तो तब आपको वो ये होता है कि यार 2-3 ही तो लोग हैं, इनको मैं कन्विंस कर लूँगा, ओहो इनका दिल जीत लूँगा मैं। That's a problematic approach to take, ना? So don't read comments if you read comments। अगर आपको अच्छे कमेंट, आप पढ़ते ही इसलिए, सबको पता है कोई ये ओपन सीक्रेट है कि कमेंट में कोई फीडबैक तो देता नहीं, जेन्युइन फीडबैक टू इम्प्रूव। तीन ऐसेज लिखे हुए हैं। हाँ, या आप वो आपने प्रॉपर कि फर्स्ट हाफ ऐसा था, सेकंड हाफ में मुझे लगा ऐसा होगा। यहाँ पे जब इरफान ने बोला कि यूटोपिया, हाँ, तो ये जो तुम्हारा भागने वाला सीन था उसमें रनिंग फॉर्म सही नहीं था। When Baalaaj said table tennis, what he really meant was ping pong board. हाँ, तो नीचे बस यही चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उसमें दिल लगा लेते हैं ना, तो फिर आपको फिर दिल आपका बैड कमेंट्स में भी ख़राब होता है। मुझे क्या कहते हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ कहना है, क्योंकि मुझे ये काजी भाई की पॉडकास्ट के बारे में अच्छी लगती है, उनकी ऑडियंस के बारे में अच्छी लगती है कि आपकी ऑडियंस जो है ना सुनती है। अल्लाह रहम करे। ये सिर्फ चाह रहा है कि वो लिंक में जाके इसको फॉलो करें और कोई मजा नहीं। बता दो कहाँ फॉलो करना है। @ बालाज खान ऑन YouTube। तो क्या कहते हैं आपकी ऑडियंस सुनती है, पता नहीं है। उस दिन क्लब हाउस पे क्या कहते हैं एक आई थिंक दुआ राशिद, हाँ, उनने बोला, उनने जो है ना आपकी शी आई थिंक डिसएग्रीड विद यू, यस, एंड आई रियली लाइक दैट बिकॉज़ शी न्यू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट एंड शी एक्चुअली लिसनड। आई मीन इफ शी न्यू शी वुडंट हैव डिसएग्रीड, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। बट मैं एक बात बताऊं, सॉरी दुआ राशिद, दुआ, आई लव यू, व्हाट आई मीन इज यू वंडरफुल माशाल्लाह से द फैक्ट दैट दे लिसन टू यू एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड यू हैव अ नीश एंड इट्स अमेजिंग। तो बिगर मेरे साइड से स्टॉप। हाँ, तो मेरे साथ जो है क्या लगता है कि हेट कमेंट से ज्यादा मुझे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स अफेक्ट करते हैं। ये अभी भाई बोला ना, डोंट लेट द हाइज, या नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव कमेंट्स लेटिंग मी फील गुड, दे मेक मी फील बैड, इम्पोस्टर सिंड्रोम, आई पता नहीं आप मतलब इट्स दैट के लोग मेंशन करते हैं कि यार तुम्हारी एडिटिंग बहुत अच्छी है, right, और तुम्हारी क्या कहते हैं सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम्हारी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो बात कर रहा हूँ मैं उसके बारे में डाइसेक्शन या उस मीनिंग को समझना, क्योंकि सी ये मैंने आपकी क्या कहते हैं जब आपके साथ मैंने की थी पॉडकास्ट, तो उस पर मैंने ये बात की थी कि मुझे पीटर मैकिनन इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और उसकी सुना था मैंने वो। हाँ, तो उसकी स्पेसिफिकली वजह ये कि बिकॉज़ ही टॉक्स अबाउट यू नो, कैंसिल कर दिया था मैंने उसी वक्त, निकल नहीं यहाँ से वो, इसलिए क्योंकि प्रोसेस के बारे में बात बहुत अच्छा बहुत ज्यादा करता है, और मुझे प्रोसेस में के बारे में एटलीस्ट बात करना इन माई वीडियोज, आई डोंट वांट टू मेक वीडियोज अबाउट मेकिंग वीडियोज, दैट्स इज नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, but I used to before क्या कहते हैं, and then now that I am making, I am using that skill set I think I've developed to tell stories, address बस उस चीज़ को किया जा रहा है कि how it is made instead of what it is that I am talking about। तो जब सिर्फ प्रोसेस की बात की जा रही है तो वहाँ पे मुझे हो रहा है कि यार आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं, if you watch any movie of Quentin Tarantino's, आप Django Unchained जाके देखें, आप देखें कि यार ये क्या शॉट था, ये इसमें एडिटिंग बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छा था, लेकिन नो वन टॉक्स अबाउट द स्टोरी। तो इट्स लाइक हीड बी थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है, उसको अजीब लगता है कि यार मैंने मूवी बनाई जिस चीज़ के बारे में बनाई, इसकी मीनिंग तो निकालो, इसमें अगर एन वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो उसके पीछे की क्या कहानी। बट द टेक्निक्स शहजाद, द टेक्निक्स आर सपोज्ड टू कन्वे दैट मैसेज प्रॉपर्ली फॉर यू, श्योर, यू नो, बट देयर इज मोर टू इट, because those techniques are used to tell the story, and I don't want the techniques to be noticed as much as the story that I'm trying to tell. मैं बोलूं पीटर मैकिनन को डिफेंड करूं मैं? हाँ करो। मैं पीटर भाई का एनडी फिल्टर यूज करता हूँ, इतना तो बनता है मेरा। तो देखें शहजाद भाई, you are confusing YouTube and cinema. They are very different platforms सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि पीटर मैकिनन भाई जो गेम खेल रहे हैं ना, which is why he is so successful, is the consistency game. सही है, उसने द माउंटेन्स आर कॉलिंग बनाई, कोई प्रोसेस डिस्कस नहीं किया, उसने बकेट शॉट बनाई, बकेट शॉट में उसने तस्वीर का प्रोसेस बताया, लेकिन तस्वीर किस तरह शूट, वो पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है उसका नहीं बताया प्रोसेस, हाउ द बकेट शॉट, नॉट द पिक्चर, द वीडियो वो शॉट, वो नहीं बताया। इस तरह उसके जो पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी वो डॉक्यूमेंट्री कर रहा है, उसका पूरा प्रोसेस बता रहा है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसके बीच में प्रोसेस नहीं बताएगा वो। ही हैज़ गैदर्ड एन ऑडियंस लाइक मी, जो इंटरेस्टेड है इस तरह की बातों में, कैमरा कौन सा, लेंस कौन सी, ये टेक्निक ये वो, तो दैट वर्क्स फॉर हिम, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। बट देन देयर इज नथानियल ड्रू, जो दूसरी तरह की ऑडियंस में है. तो इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू आर मोस्ट पैशनेट अबाउट एंड व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक. अब मैंने अपना कंटेंट पिवट किया है ना, आई एम गोइंग थ्रू द सेम ट्रांजिशन. आई यूज्ड टू टॉक अलॉट अबाउट कैमराज एंड स्टफ, वो हमने दूसरे चैनल पे कर दिया है. मेन चैनल पे इट्स मोर अबाउट द स्टोरी. मेरी कम बैक वीडियो या एपिडेमिक की वीडियो कहीं नहीं आया कि हमने गिम्बल लगाया या नहीं लगाया, शॉट ड्रोन कौन सा ये वो. तो इट्स नॉर्मल. एंड शहजाद ने जो बोला ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि मुझे भी थोड़ा बुरा लगता था. मैंने जो कैमरा रिवील करने से थोड़ा टाइम तक इज्तनाब किया था, वो इसी वजह से किया था. इज्तनाब का क्या मतलब होता है भाई? रिलक्टेंस मतलब उसको इज्तनाब मतलब डिले. मैं इससे इज्तनाब कर अवॉइड मैंने इस वजह से किया था कि पीपल देन द होल कॉन्वर्सेशन बिकम्स अबाउट द कैमरा. मैं अगर अभी रेड कमोडो ले लूँ और पूरी दुनिया को बताऊं आई एम सो हैप्पी, आई वर्क माई एस ऑफ टू गेट दिस कैमरा, दिस वाज माई ड्रीम, द ड्रीम ब्रांड कैमरा. तो खैर जो नए आते रहते हैं. और उसके बाद अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो द होल कॉन्वर्सेशन बिकम्स अबाउट इतने 12 लाख के कैमरा से हम भी बना दें. एग्जैक्टली. तो यू नो देन इट जस्ट हर्ट्स यू अ लिटिल. एग्जैक्टली. सी मेरी वीडियोस में ना आईफोन यूज होते हैं और बेसिक एडिटिंग यूज होती है. यू आर एक्चुअली ऑल अबाउट द स्टोरी. These people just talk about like they're about the story. वैसे मेरी videos are just like मैंने और शहजाद ने ना बहुत ज़्यादा YouTube को सीरियस ले लिया है. हम अपने अंदर ही ना क्विंटन टैरेंटिनो और अनुराग कश्यप और बो बर्नम चल रहे हैं. बो बर्नम बहुत जो बालाज का स्टेट ऑफ माइंड है ना, दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू एंजॉय इट. इट्स द आइडियल, आई वुड आर्ग्यू. या आइडियल, यू आर हैविंग फन, यू आर एंजॉयिंग इट. एंड इफ ही स्टार्ट्स मेकिंग कंटेंट इन इंग्लिश तो पैसे भी आने लगे. बिल्कुल ना परफेक्ट फुल एंजॉय हेवन. मैं और शहजाद इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि यार हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, आर्ट क्या है, कला क्या है, ब्रांड्स क्यों नहीं आ रहे, पैसे क्या ब्रांड्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं उसको तो ब्रांड्स कोई तारीफ कर रहा है तो क्यों कर रहा है नहीं कर रहा है. मेरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है. नो मेरे मजाक जोक्स कोई नहीं समझता, मेरा ह्यूमर कोई नहीं. इसका इतना अच्छा प्रोसेस है. उस दिन हम शूटिंग कर रहे थे, रैंडमली हमने सोच लिया कि यार ऐसे शूट कर रहे हैं, उसी वक्त ये सोच रहा है अभी क्या बोलूँगा, चलो ये बोलता हूँ सही. उसी वक्त हमने क्या 20 मिनट लगे, शूट हो गई. 20 मिनट में स्क्रिप्टिंग भी हो गई इसकी. उसी वक्त ही रैंडमली आप बाथरूम में चल के शॉट लेते और फिर बाथरूम में इसने शॉट ले लिया, उधर ही एंड हो गई. ये इट वाज सो अमेजिंग. यू वाज हैविंग सो मच फन एंड आई वाज मतलब मैं सोचा था कि लाइटिंग इधर से आए नहीं, ये थोड़ा कम करूं. मैंने कहा आईफोन से करते हैं क्योंकि मुझे ना तो कैमरा का पता है और अगली मेरी वीडियो कैमरा में होगी नहीं. So, but we still ended up filming it on the camera and वो सारी चीजें. It was very fun. बड़ा मजा आया था. That's beautiful, I think. That is beautiful. I think what Irfan bhai is highlighting is as long as you're having fun with it. I think बीच में the only way I could resonate is बीच में. So I make self-8 hours videos. I know. Yeah. We are very fond. Oh, thank you. I am very fond of you as well. आपको जाके double under भी करने अभी. तो बीच में ना I got way into the cinematography of it. तो फिर अच्छा it's taxing because what I would do is for instance अगर मैं आर्ट सेट कर रहा हूँ तो मैं बोलता था आर्ट सेट के बाद 2 एक्स्ट्रा सेट मैं करूँगा जो फिल्म होंगे और उसमें जो है ना I'd be thinking throughout the workout कि भाई कौन सी एंगल वैंगल ये वो and so then someone close to me convinced me कि आप थोड़े दिनों के लिए ना करो. तो when I restarted it then मैंने बोला भाई बताना ही है ना कि वर्कआउट किया. And I do that as motivation for myself. Because there's people that respond to it, they're like good, you know, good job. There's some validation, and बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखाने के लिए कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप मेरे से तो बेहतर ही हो, आप भी कर लोगे इंशाल्लाह. काजी भाई आपने बहुत एक golden opportunity मिस कर दी है. If you had documented this process and put it up on YouTube, थोड़ी story, थोड़ा struggle, थोड़ा diet, थोड़ा ये, थोड़ा failure, कहाँ fail हुए, कहीं 5000 खा लिए calories, कहीं ये, तो I think आपकी एक अलग आपकी दुकान चलने लगती है ऑफ ये डाइटिशियन और ट्रेनर वाली. लेकिन यू मिस दैट ट्रेन. वो पूरी प्रोसेस आप दोबारा मोटे हों और फिर दोबारा यू कैन डू इट if you want to. What are you saying dude? अगर मैं नहीं even if you want to I already intend to मैं करूँगा. लेकिन इट्स नॉट लाइक अभी जैसे काजी भाई जिस सिचुएशन में वो अभी भी कर सकते हैं. काजी भाई कर सकते हैं लेकिन इफ़ काजी भाई हैड मेड अ सीरीज ऑफ वीडियोस और 1 ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है. तो अभी मेरे पास वीडियोस तो हैं और एक और बात फिर जब आप वो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं ना तो आपके जहन में ख्याल आता है कि क्या जो मैं पतला हुआ हूँ ये अपने लिए हुआ हूँ या सिर्फ कंटेंट के लिए हुआ हूँ? फिर आप और ही पागल हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो फर्क है। मैं तो बिकॉज आई हेट माय सेल्फ, मैं तो पतला इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मेरी नफरत मेरे अंदर उन जो भी चीज़ों को खा रही है। यू हैव ऑल दोज वीडियोस बट वो उस टाइम की थॉट्स आपके पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। कैसे नहीं? आपको उस जमाने आपने कोई टॉकिंग हेड रिकॉर्ड किए हैं कि क्या फील कर रहे हैं? टॉकिंग हेड नहीं किए बट डिड यू राइट समथिंग? आपने वीडियो देखी है 21 डेज विदाउट शुगर मेरी? मैंने देखी। हाँ देखिए ना तुमने, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। राइट, आई हैवंट डन दैट ऑफ कोर्स। तो यू गेट फैट अगेन देन यू भाई बस हो गया। माय बॉडी माय सिस्टम्स लाइक बस हो गया। ये आप कंटेंट कह रहे हैं, बेटा ना कंटेंट है भाई। A1 और अगर ये इंग्लिश में हो गया फिर तो देखें डाडो वीआईपी खत्म फिनिश। हाउ यू से दैट क्योंकि मैं वो भी कर रहा हूं और बना भी इंग्लिश में इंशाल्लाह। मैं आपको बताया था रूबिक्स क्यूब वाली? नहीं रूबिक्स क्यूब वाली नहीं बता, रूबिक्स क्यूब वाली बताई थी बट आई लाइक यू टू शेयर अगेन बट आई डू हैव टू गो विजिट द लैबोरेटरी अगेन। या दिस साउंड्स लाइक अ गुड आईडिया, मैं भी कर सकता हूं ये विजिट द लैबोरेटरी। हां आप भी कर सकते हैं विजिट द लैबोरेटरी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। आप भाई कितना ट्रांसफॉर्म हाउ हैवी आर यू राइट नाउ? इंग्लिश चैनल क्या ना 83 84 होगा मेरा वेट एंड आई वांट टू गो डाउन टू 73 72 कर सकते हैं easy. 10 kilos dude? Yeah. You, how old are you? You shouldn't do that. No, that's not good. कोई बात नहीं, मुझे करना है, मुझे अपनी पुरानी वाली jawline चाहिए। Do you hate yourself though? I don't like myself that much. That's not good. Hate is a word that we don't use. Hate is a strong word. I hate myself. And I feel like I hate myself. Yeah, let's go. I'm myself pro Kazi bhai. Yeah, let's go. High five. Yes. High five. Yeah, I'd just like to, you know, when I was fit, मेरे लिए तैयार होना ये होता था आई वुड वेयर जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और ये आप तैयार लग रहे हैं बिकॉज योर बॉडी कॉम्प्लीमेंट्स इट। और आपके ना थोड़ा चेस्ट सही है, बैक, आपका पोस्चर, हाथ अच्छे लग रहे हैं। तो ये आपके लिए यू वुड फील गुड इन दैट सिंपल आउटफिट। 60 रुपए की शर्ट लेता था मैं ग्रे कलर की मेट्रो से और जीन्स होती थी थोड़ी सी अच्छी और बस मैं कहीं भी जाने को तैयार। पता है मेरे साथ क्या हुआ है? सिंस आई लॉस्ट वेट ना, नाउ आई यूज्ड टू बी 80 किलोस व्हेन आई वाज 19 20 मैं वेंट टू मलेशिया एंड डूइंग मुए थाई, तो मेरा भी यही हाल होता था उस वक्त। यू नो व्हेन उस वक्त आई यूज्ड टू बी लीनर एक्चुअली, आई यूज्ड टू बी 76 किलोस at the site, right? तो वही वाली बात, कुछ भी पहन लो, now you just show up and you think you have to at least pretend as a heterosexual male you have to pretend that you're not putting in any effort. You're like I just showed up like this, right? Meanwhile I'm just not eating any food at all, right? But ek jo farak aaya na because I have male pattern baldness, to अब जब मैं नोटिस करता हूँ ना वही वाली बात है, जो सब चीज़ें हैं आपके पास वो आप कभी नहीं नोटिस करते हो। तो ओनली थिंग आई लुक एट इज यार बाल जा रहे हैं and then I'm like यार बस मैं क्या करता हूँ दाढ़ी रख लेता हूँ, सर शेव कर देता हूँ and then just because be done with it. Again, constant cognitive capital fatigue. G. Mamma mia. पास दिया। जी। यार मुझे टर्की में मेरा होटल के सामने वो था रेस्टोरेंट, बड़ा याद आता है यार मुझे। लुकान था? नहीं, इटालिया खाया एजमेर शेफ, एजमेर नेम्ड आफ्टर शेफ ESMER इस तरह का कुछ था। मुझे मेरा जो होटल था उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। मैं देख के बताऊंगा यार, उसका पास्ता बड़ा याद आता है, अल्फ्रेडो फेटिच। वो लाइक बुफे स्टाइल का था या बस ऐसे ही अंदर जाने दे देंगे? मतलब ऐसे नहीं देंगे, आप ऑर्डर करेंगे, पैसे देंगे। बात टिपिकल बुली नहीं ऐसा नहीं होता। पास्ता जल्दी यस कराओ। विद दैट आई थिंक वी शुड end this podcast, bring this podcast to a close. This has been fun. Yeah. This has been the first round table because इससे पहले सिर्फ I've only done podcast with 2 people. और जब 3 से ज़्यादा हो जाता है फिर round table आती है. Yeah. Thank you for making it a round table. This is actually a square. Shake Stop hands it. With sanitizers. हाँ, okay, let's do that. We're shaking hands with. ऐसे हाथ मिलाने चाहिए लगा वैसा है। अच्छा ओके cleaning the homies' hands and मतलब अभी ये gotta do it. Anyways, also वहाब अगर काजी भाई का पैर मेरे फ्रेम में आ रहा हो please leave it alone. नहीं हटेगा देखा. Yeah. Irfan bhai, it's been wonderful. Shehzad, beautiful as always. Baalaaj, thank you for being in Karachi. Thank you for having in Karachi. All of it on your podcast. All right, dude. हमसे ज़्यादा इधर ही आता है. This has been wonderful. Alhamdulillah. Irfan bhai, अगर shout out करना हो अपने channel. Hello guys, मेरा channel है Irfan Junejo और मेरा second channel Junejo 2.0 और मेरा third channel है. थर्ड चैनल बताओ ना. थर्ड चैनल है यार वो बहुत फेक चैनल बना लेंगे लोग और उसी नाम से आप छोड़ छोड़ ली बेटा. हां वो आपको जल्दी पता चल जाएगा. Patreon है patreon.com/junejo या youtube.com/theshehzad show patreon.com/theshehzad show netflix.com/theartof tiktok.com/ यार youtube.com/balu PALU. That's wonderful. Thank you for watching. If you stuck around till the end, I will be starting a second channel inshallah soon. Inshallah. It's called Kazi Akber because and I wo uska jo hai mostly cinematic videos and stuff. Thank you. Thank you for sticking around with us and yeah, see you in the next one. Thank you guys. Assalamu alaikum.